अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्राइम थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर असन नुमानी की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उनवान है खूनी सबूत। तो आइए शुरू करते हैं। अशफाक लाहौर से कुछ फासले पर वाके एक कस्बे के छोटे से दुकानदार का सबसे बड़ा बेटा था। इससे छोटे 3 बहन भाई और थे, 2 बहनें और 1 भाई। इसे बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था। अपने शौक से मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न में पास किया तो इसके बाद इतने बेटे के मजबूर करने पर इसे लाहौर जाकर मज़ीद तालीम हासिल करने की इजाज़त दे दी। मगर साथ ही ये भी पास कर दिया कि वो तालीम के हुसूल में इसकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, इसलिए अशफाक को न सिर्फ तालीमी अखराजात का बेशतर हिस्सा बल्कि हॉस्टल में रहने के खर्च का बोझ भी खुद ही बर्दाश्त करना होगा। और फिर दाखिले के लिए फ़ीस और बुनियादी किताबों की फराहमी के लिए इसके वालिद को कर्ज लेना पड़ा। अशफाक ने वादा किया था कि वो ये कर्ज जल्द से जल्द अदा करने की कोशिश करेगा। वो देखने में एक खूबसूरत बची और पुरवकार नौजवान नज़र आता था। मिजाज में बेहद संजीदगी, खलूस, सब्र व ज़ब्त और हर मामले में एतदाल पसंदी इसकी तबीयत का खासा थी। चंद माह के अंदर ही इसने कॉलेज के असातिज़ा को अपनी काबिलियत और सहानत का मद्दा बना लिया। दोस्तों का भी एक अच्छा खासा हलका कायम हो गया। अशफाक ने अपनी माली पोजीशन छुपाने की कभी कोई कोशिश नहीं की बल्कि अपने हर दोस्त पर वाज़े कर दिया कि इसके वालदैन चूँकि इसका तालीमी खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए इसे खुद ही इस मसले का कोई हल निकालना है। जिसकी आसान सूरत यह हो सकती है कि वो कॉलेज के बाद फारिग औकात में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दे। इसकी ज़रूरत को देखते हुए प्रिंसिपल साहब ने इसकी निस्फ फीस माफ़ कर दी और 1-2 मेहरबान प्रोफेसरों और दोस्तों की मदद से इसे कुछ बड़े घरानों के अंडर मैट्रिक तालबे इल्मों की ट्यूशन भी मिल गई। और यूँ 2-3 माह के अंदर ही अशफाक अपना पूरा खर्च खुद उठाने के काबिल हो गया। कॉलेज में मखलूत तालीम थी। अशफाक की खूबियों और इसकी ज़ाती वजाहत की वजह से कई लड़कियों ने इसे ताल्लुक़ बढ़ाने और इसके ज़्यादा से ज़्यादा करीब आने की कोशिश की। इस कोशिश में दौलतमंद और मॉडर्न घरानों की लड़कियां ज़्यादा पेश थीं, मगर हर एक से खुश अखलाकी से मिलने के बावजूद अशफाक ने इन ताल्लुकात को एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ने दिया। और वह ख़ास हद बस इतनी ही थी कि सामना होने पर सलाम दुआ कर ली। किसी ने नोट्स मांगने के बहाने करीब आने की कोशिश की तो इसे सिर्फ नोट्स की ज़रूरत पूरी करने तक ही रखा। कॉलेज के खाली घंटों में वो अमूमन या तो लाइब्रेरी जाकर मुख्तलिफ मजामीन की किताबों के मुताले में मसरूफ़ हो जाता था या कॉलेज के किसी ऐसे गोशे में जहाँ कोई इसे आसानी से तलाश न कर सके जाकर बैठ जाता था। और पढ़ाए जाने वाले असबाक और प्रोफेसरों के लेक्चरों के दौरान में लिए नोट्स को तरतीब और वजाहत से एक अलग कॉपी में लिखता रहता था। कई लड़कियों ने इसे कॉलेज के कैंटीन तक ले जाने की कोशिश भी बहुत की मगर वह हमेशा इनसे माजरत कर लिया करता था। नतीजा ये निकला कि कुछ ही मुद्दत में वो लड़कियों के हलके में मकरूर और खुश्क मिजाज मशहूर हो गया। तू नहीं और सही, ये मकूले पर अमल करने वाली लड़कियों ने रफ्तार रफ्तार इसका पीछा छोड़ दिया। इसी मेहनत और इस्तकलाल से काम करते हुए अशफाक ने आईकॉम पास कर लिया। इसके सामने जो फौरी मकसद था वो ये था कि किसी न किसी तरह बीकॉम कर ले और फिर कोई मुलाजमत करके न सिर्फ घर का बार उठाने में वालिद का हाथ बटाए बल्कि प्राइवेट तौर पर तालीम जारी रखे और यूँ ना सिर्फ अपनी इस्तेदाद में इजाफा करें बल्कि दुनियावी तरक्की के सीने पर भी सीढ़ी ब सीढ़ी ऊपर चढ़ता जाए। जब अशफाक 3rd ईयर में था तो एक मकामी बिजनेसमैन मिर्ज़ा अजीज़ बेग की अकलौती बेटी शाहिदा ने 2nd ईयर आर्ट्स में दाखिला लिया। वो पहले एक और कॉलेज में पढ़ती थी मगर वो कॉलेज ना सिर्फ इसके घर से दूर पड़ता था बल्कि वहाँ का तालीमी अमन व सुकून भी आए दिन के हंगामों से ख़त्म हो गया था। मजबूरन उसके वालिद ने इसे दूसरे कॉलेज में दाखिला लेने का मशवरा दिया और यूँ शाहिदा अशफाक के कॉलेज में आ गई।
तब तक अशफाक कॉलेज में खासा मारूफ हो चुका था। वो कॉलेज का मुमताज़ तरीन तालमेलम ही नहीं था बल्कि तकरीरी, इल्मी और मालूमती मुकाबलों में भी सबसे नुमाया रहता था। लड़कों ने बारहा इस कॉलेज यूनियन के सदर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब लड़ने के लिए आमादा करना चाहा, मगर अशफाक जानता था कि गैर निसाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ होकर वो अपनी पढ़ाई तो शायद जारी रख सके मगर ट्यूशनों के लिए वक्त नहीं निकाल सकेगा। इसलिए इसने यूनियन के किसी अहदेदार का उम्मीदवार होना तो कुछ किसी ज़ैली शोबे का निकरा होना भी मंजूर नहीं किया। हालांकि अगर वो लिटरेरी सोसाइटी की सदारत के लिए खड़ा होता तो शायद बिला मुकाबला ही कामयाब हो जाता। शाहिदा ने अशफाक की शोहरत सुनी तो पहले तो कोई ख़ास तवज्जो न दी। वो ख़ुद उसने सूरत और सीरत में तमाम लड़कियों में मुमताज़ नज़र आती थी और लड़के ही नहीं, लड़कियां भी ख़ास तौर पर उसके एक दौलतमंद घराने से ताल्लुक़ की वजह से उससे तारुफ़ हासिल करने और ख़ुद को उसके दोस्तों के हलके में शामिल करने के लिए कोशां रहते थे। शायद इसी वजह से शाहिदा को गैर शऊरी तौर पर यह तवक्को थी कि अशफाक ख़ुद इससे मुतारिफ़ होने की कोशिश करेगा, लेकिन अशफाक अच्छी तरह समझता था कि कोई सूरत इसे पसंद भी आ जाए तब भी वो अपने हालात के तहत किसी की नाज बरदारी में वक्त ज़ाया करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसीलिए इसने कॉलेज में 2 साल क्यों गुजार दिए थे जैसे वो किसी लड़कों के कॉलेज में पढ़ रहा हो। एक दो लड़कियों से उसकी सलाम दुआ ज़रूर थी मगर इनसे मुलाकातों में भी वो इल्मी मौजूआत के सिवा कोई दूसरी बात नहीं करता था। शाहिदा को कॉलेज में दाखिला लिए कई माह हो गए मगर अशफाक ने इसे तारुफ हासिल करना तो अलग इसकी राह में भी आने की कोशिश नहीं की, बल्कि 2-3 मरतबा तो शाहिदा ने यह महसूस किया कि अगर अशफाक किसी जगह पहले से खड़ा है और इत्तेफाक से वो भी इसी तरफ जा रही है तो अशफाक इसके करीब आने से पहले ही वहाँ से हट जाता था, जैसे वो शाहिदा को दानिस्ता नज़रअंदाज करना चाहता हो। ये बात शाहिदा के आम मुशाहदे के ख़िलाफ़ थी, इसलिए इसे फितरी तौर पर कुछ तजस्सुस सब पैदा हो गया कि ये कोई इत्तफाकी अमर है या अशफाक दानिस्ता तौर पर ऐसा करता है। इसने बज़ाहिर गैर मुतालिक रहते हुए दूसरी लड़कियों से अशफाक के बारे में मालूमात हासिल की। अशफाक की ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह थी, उसने कभी ये बात भी छुपाने की कोशिश नहीं की थी कि वो अपनी तालीम का खर्च ट्यूशनें पढ़ाकर खुद उठा रहा है। इसलिए चंद ही दिनों में शाहिदा को अशफाक के बारे में बहुत सी बातें मालूम हो गईं, जिनमें लड़कियों की अपनी ये रंग आमेजी भी शामिल थी कि मसरूफियत का तो महज बहाना है। दरअसल अशफाक को अपनी शख्सी वजाहत पर बहुत नाज बल्कि गुरूर है और वो लड़कियों से ताल्लुकात इसलिए नहीं बढ़ाता कि इस तरह अपनी गुरबत के एहसास से कमतरी को अपनी वजाहत के एहसास से बरतरी के पर्दे में छुपा सके। एक ही तालीमी इदारे में रहते हुए अगर कोई दिल से कोशां भी हो तो कभी ना कभी आमना सामना हो ही जाता है। शाहिदा ने अपने तजस्सुस से मजबूर होकर ऐसी गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया जहाँ इसे अशफाक की शिरकत का यकीन होता था, मसलन तकरीरी और इल्मी मालूमाती मुकाबले। इस तरह आखिर वो अशफाक से मुतारिफ होने में कामयाब हो गई। अशफाक इससे भी इसी खुलूस से मिला जो इसके मिजाज का हिस्सा था, मगर शायद ऐसे बातें करते वक्त दूसरे लड़कों की गुफ्तगू में जो एक लचक और गैर महसूस तौर पर न्याजमंदी का अंसर शामिल हो जाता था, अशफाक का तर्ज अमल इससे बिल्कुल खाली था। इसलिए इब्तिदा में शाहिदा को भी दूसरी लड़कियों की ये राय दुरुस्ती मालूम हुई कि अशफाक बहुत मकरूर और खुश्क मिजाज वाक़ हुआ है। चुनाचे एक मरतबा ये तासुर कायम हो जाने के बाद शाहिदा ने इससे रवाबित बढ़ाने की इरादी कोशिश तर्क कर दी। अशफाक ने न इसकी मुलाकात को कोई खसूसी अहमियत दी थी और न ही इसकी किनाराकशी को महसूस किया, लेकिन वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि वो चाहें या ना चाहें किस्मत ने एक दूसरे के करीब लाने का फ़ैसला कर चुकी है। अशफाक के फाइनल ईयर का आगाज़ हुआ
तो कॉलेज में हर साल की तरह यूनियन के इंतखाबात भी हुए। इन 3-4 बरसों में बज़ाहिर तालीमी पुरसकून माहौल के बावजूद तुलबा में कुछ हंगामा पसंद अनासर शामिल हो गए थे। यूनियन में कई साल से थोड़ी बहुत जुज़वी तब्दीली के साथ अमूमन एक ही जमात का पैनल कामयाब होता था, लेकिन इस साल 2-3 नई जमातें भी मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर आईं। इब्तदा एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी से हुई, फिर जलसों में गड़बड़ कराने का आगाज़ हुआ और रफ्ता रफ्ता इंतखाबी माहौल इतना कशीदा महसूस होने लगा कि इलेक्शन के दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने मकामी इंतज़ामिया से सरे दस्त इस हद तक तावन की दरख्वास्त की कि पुलिस की माकूल नफरी कॉलेज के बाहर मौजूद रहे, ताकि अगर किसी वक्त हालात काबू से बाहर होने लगें तो नज़्म व ज़ब्त को इसकी मदद से बरकरार रखा जा सके। तकरीबन 1 बजे तक पोलिंग ठीक ठाक होती रही, लेकिन तब तक ये अंदाज़ा होने लगा कि इस साल भी नई पार्टियों की पूरी कोशिश के बावजूद इसी जमात का पैनल कामयाब होता नज़र आ रहा है, जो कई बरसों से कॉलेज की सियासत पर हावी था। तो इनमें से एक पार्टी ने हंगामा आरई करने की ठान ली और ठान कह ली। वो पहले से ये मंसूबा बनाकर आई थी कि अगर हमारे उम्मीदवार शिकस्त से 2-4 हुए तो हम इलेक्शन ही नहीं होने देंगे। हंगामे का आगाज़ मुखालफाना नारों और फिर फौरनी पोलिंग बूथ पर पत्थरबाजी से हुआ और जल्दी दोनों अतराफ से लाठियां, डंडे और हॉकियां मुकाबले में शामिल हो गईं। अब ये सूए इत्तेफाक ही था कि जिस वक्त झगड़ा शुरू हुआ, शाहिदा अपना वोट डालने आई थी। मुखालिफ गिरोह ये देखे बगैर कि इनकी जद में कौन आ रहा है और कौन नहीं, हर तरफ तोड़फोड़ कर रहे थे। प्रिंसिपल ने हालात काबू से बाहर निकलते देखकर पुलिस को मुदाखलत की इजाज़त दे दी, लेकिन जब तक पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती, बहुत से लड़के और लड़कियां ज़ख्मी हो चुके थे और इन ज़ख्मियों में शाहिदा भी शामिल थी। इसके सर पर किसी ने लाठी का भरपूर वार किया था। सर की हड्डी टूटी या चटकी थी, यह तो जाहिर है कि अस्पताल में एक्सरे रिपोर्ट से ही पता चल सकता था, मगर चोट ऐसी लगी थी कि खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। खुशकिस्मती से अशफाक और कुछ दूसरे लड़कों ने फसाद शुरू होते ही कई अस्पतालों और रेड क्रिसेंट के सेंटर एम्बुलेंसों के लिए फ़ोन कर दिया था, इसलिए ज़ख्मी होने वाले लड़के और लड़कियों को फौरन अस्पताल पहुँचाना मुमकिन हो सका। अशफाक की अपील पर कुछ तलबा भी साथ हो लिए कि अगर खून की ज़रूरत पड़े तो खून दे सकें। अब ये मजीद इत्तेफाक था कि किसी दानिस्ता कोशिश के बगैर अशफाक इस एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचा, जिसमें दूसरे ज़ख्मियों के अलावा शाहिदा भी मौजूद थी। जिस अस्पताल में शाहिदा को ले जाया गया, वहां डॉक्टरों ने मायने के बाद राय जाहिर की कि बताए सर की हड्डी सलामत है, मगर खून बहुत ज़्यादा बह गया है और अस्पताल में इस ग्रुप का खून मौजूद नहीं है। अगर निसफ घंटे के अंदर खून फराहम ना किया गया तो ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ सकती है। जो 2-3 लड़के साथ थे, उन्होंने भी अपना खून पेश किया, लेकिन किसी का ग्रुप भी शाहिदा के साथ नहीं मिल सका। मगर अशफाक के खून का ग्रुप मालूम हुआ कि ओ पॉजिटिव है और वो शाहिदा को दिया जा सकता है। अशफाक तो इसी इरादे से गया था कि खून की ज़रूरत पर अपना खून दे सके, इसने बिला तामुल आमादगी का इजहार कर दिया। खून कुछ ज़्यादा ही ज़ाया हो गया था, इसलिए अशफाक को तकरीबन 1.5 पॉइंट खून देना पड़ा। इसकी आम सेहत ठीक थी, मगर अपने महदूद बजट के बायस जो गज़ा वो इस्तेमाल कर रहा था वो ऐसी नहीं थी कि खून की इतनी कमी वो कमज़ोरी महसूस किए बगैर बर्दाश्त कर लेता, इसलिए डॉक्टर ने इसे भी अस्पताल में एक दिन के बेड रेस्ट की ताकीद की। इतनी देर में शाहिदा के घर इतला मिल चुकी थी। इसके वालिद और भाई घबराए हुए अस्पताल पहुंच गए थे, लेकिन खून मिलने के साथ ही शाहिदा की तबीयत संभलने लगी थी। अगरचे वो अभी बेहोश थी, मगर ख़तरे से बाहर थी। मिर्ज़ा अजीज़ बेग साहब को जब डॉक्टरों से ये मालूम हुआ के बर वक्त खून मिलने से ही शाहिदा की ज़िंदगी बची है और यह खून कॉलेज के एक तालिबे इल्म अशफाक ने दिया है,
तो इसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके कमरे में गए। अश्वाक की कमज़ोरी के पेश नज़र उसे ड्रिप लगाती गई थी, मगर उसने अपनी आदत के मुताबिक पुरखलूस मुस्कुराहट से शाहिदा के वालिद और भाई का इस्तकबाल किया और इनके इजहार एहसान मंदी के जवाब में वही कहा जो इस जैसे तालिबे इल्म को कहना चाहिए था। इसने जवाब दिया कि इसने जो कुछ किया वो इसका दीनी और इखलाकी फ़र्ज था, जो उसने बग़ैर ये जाने और सोचे हुए कि उसका खून एक दौलतमंद की बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए दरकार है या किसी गरीब ख़ानदान की लड़की के लिए, इसलिए वो शुक्रिया अदा करके इसकी नेकी के अजर को कम ना करें। मिर्ज़ा साहब ने तभी ज़बान से कुछ माली आनत करने का भी इजहार किया, जिसे अशफाक ने शुक्रिया के साथ मुस्तरद कर दिया। मगर इस दौरान में शाहिदा किन अजाबों से गुजरती रही थी कुछ वही जानती थी। इस अरसे में ना वो जिंदा थी ना मुर्दा, बस अजब कैफियत में गिरफ्तार न जाने किन जहानों की सैर करती रही। अस्पताल में मौजूद उसका जिस्म लोगों के लिए एक ऐसे मरीज का था जो शदीद जख्मी होने के सबब बेहोश हो गया हो, मगर इस जिस्म में मौजूद दिमाग की उड़ान को बिस्तर पर लिटाया जा सका था ना आईसीयू में कैद किया जा सकता था। ये दिमाग सहन के पर्दे पर न जाने कौन सी दुनियाओं के मनासिर बेहोश मरीज को दिखाता रहता। कभी शायद खुद को किसी फैशन शो में अजीब व गरीब लिबास पहने कैटवॉक करते देखती, कभी बचपन में सुनी कहानियों के नतीजा किरदारों देव जिन भूत और शैतान को मुजस्म देखती जो इसे डरा रहे होते और कहते कि हम तुझे साथ ले जाने आए हैं। इसी दौरान में इसने हंगामा करने वाली जमात के कॉलेज लीडर को भी मक्कारी से हंसते देखा। शायदा को दूसरे दिन होश आ गया था। इस दौरान में उसके सर के कई साथियों से एक्सरे भी लिए गए थे और शुक्र था कि हड्डी में मामूली सा बाल आ जाने के अलावा दिमाग या इसके किसी हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। जब इसे बताया गया कि अपना 1.5 पॉइंट खून देकर इसकी जान बचाने वाला अशफाक है, तो अब तक उसके साथ ताल्लुक़ के पस मंज़र में फितरी तौर पर शाहिदा के दिल में उसके लिए वो नर्म कोशा पैदा हो गया जिसने गुज़रते वक्त के साथ एक गहरी पसंदीदगी और वाबस्तगी की सूरत इख्तियार कर ली। लेकिन दूसरी जानिब अशफाक ने अपने इस कारनामे को कोई खसूसी अहमियत नहीं दी थी। जब तक शायद अस्पताल में रही वो इसकी मिजाज पुरसी के लिए 2-3 बार ज़रूर गया, मगर जब वो अस्पताल से अपने घर मुंतकिल हो गई तो अशफाक ने इस वाकफियत को अपने और उसके ताल्लुक में इजाफे के लिए जरिया नहीं बनाया। इसकी दलील वही थी कि शायदा की जगह कोई दूसरी लड़की या फिर कोई लड़का भी होता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अब किसी खसूसी रियायत की क्या गुंजाइश निकलती है। लेकिन अशफाक के ये ख्याल सिर्फ उसी वक्त तक कायम रहे जब तक शायद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर कॉलेज वापस नहीं आ गई। उसने कॉलेज जाते ही पहले तो अशफाक के एहसास में अपने खसूसी दोस्तों और सहेलियों को दावत दी और फिर दानिश्ता अशफाक से मरासिम बढ़ाने की कोशिश करने लगी। इसकी इस कोशिश में कुछ ऐसी बेसाख्तगी और बालिहाना कैफियत थी कि अशफाक भी उसके सादा खलूस से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका और यूँ किसी ज़बानी इजहार ताल्लुक़ के बग़ैर ही वो दोनों वाबस्तगी की उस मंजिल तक पहुँच गए जहाँ एक के बग़ैर दूसरे को अपनी ज़िंदगी बेकैफ और बेमकसद मालूम होने लगती है। फिर इत्तेफाक से इन्हीं दिनों कुछ ऐसे हालात पेश आए कि अशफाक की कई अच्छी ट्यूशनें मुख्तलिफ वजूहात से यक के बाद तीगरे ख़त्म होती गईं, यहाँ तक कि ऐसे होटल के अखराजात और फाइनल इम्तहान के लिए फ़ीस की अदायगी मुश्किल बल्कि नामुमकिन मालूम होने लगी। उसने शायदा से अपने गहरे होते हुए रवाबित में हमेशा इस बात का ख्याल रखा था कि अपनी किसी भी किस्म की मुश्किल या परेशानी को उसके सामने ज़ेर बहस ना लाए, लेकिन शायदा इतनी सतही नज़र की मालिक नहीं थी कि वह अशफाक की परेशानी महसूस ना कर सकती। उसने अशफाक की लाइलमी में कुछ दूसरे ज़राए से हालात मालूम किए, तब इसे अशफाक की माली पोजीशन का इल्म हुआ और इसने भी ख़ुद को सामने लाए बगैर अपनी चंद सहेलियों की मदद से
अशफा के लिए फौरी तौर पर न सिर्फ ट्यूशनें फराहम करा दीं बल्कि इन लोगों की तरफ से पेशगी रकम भी दिलवा दीं ताकि अशफाक वक्त पर हॉस्टल के अखराजात भी अदा करते और फाइनल ईयर के इम्तहान की फ़ीस भी जमा करा दे। ये बात अगरचे बाद में छुपी ना रही मगर तब तक कड़ा वक्त गुजर चुका था और जिस अंदाज से तावन किया गया था उसने अशफाक के लिए कोई बजाय शिकायत छोड़ी भी नहीं थी। फाइनल इम्तहान के लिए अशफाक ने हर साल से ज़्यादा मेहनत की थी और ख़ुदा ने इसकी मेहनत को ठिकाने भी लगाया। इसने बीकॉम में पूरे ज़िले में दूसरी पोजीशन हासिल की और यूँ वो इब्तदाई मरहला बड़ी कामयाबी से मुकम्मल हो गया जहाँ से इसके प्रोग्राम या यूँ कहना चाहिए कि प्लान के मुताबिक इसकी अमली जद्दोजहद का आगाज़ होता था। नतीजे का ऐलान होते ही इसने मुख्तलिफ सरकारी और नीम सरकारी महकमों और प्राइवेट इदारों को किसी मुनासिब व मौसूम मुलाजमत के लिए दरख्वास्तें भेजना शुरू कर दी। इसके अलावा अगर किसी कंपनी की जानिब से ज़रूरत है का इश्तहार शाया होता तो वहाँ भी दरख्वास्त भेज देता। एक दो जगह से इसे मुलाजमत की पेशकश भी हुई लेकिन कोई साबिका तजुर्बा न होने की वजह से जो मुशाहरा देने का वादा किया जाता वो इस कदर कम होता कि ट्यूशनों की मजमू आमदनी इससे ज़्यादा होती थी। ये सूरत हाल देख कर और ख़ास तौर पर इसलिए कि फ़ाइनल इम्तहान पास कर लेने के बाद अशफाक को हॉस्टल छोड़ने का तहरीरी नोटिस भी मिल चुका था और वो अपनी मौजूदा आमदनी में कोई कम से कम किराए का मकान लेकर भी आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन कायम नहीं कर सकता था। शायदा ने अशफाक को बताए बगैर अपने वालिद से बात की, अब्बू क्या आप अशफाक साहब की मुलाजमत के सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते? उसने एक दिन पूछा। क्यों नहीं, तुम इसे मेरे ऑफिस भेज दो, कहीं ना कहीं लगा दूंगा, मिर्ज़ा साहब ने आमादगी जाहिर की। नहीं, आपके दफ्तर में नहीं, कहीं और। क्यों, मेरे दफ्तर में क्यों नहीं? अशफाक बहुत खुददार हैं, शायदा ने जवाब दिया। अगर आपने या मैंने इन्हें मुलाजमत की पेशकश की तो इन्हें यही ख्याल होगा कि इस तरह हम इनके एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं जो इन्हें कभी मंजूर नहीं होगा। हाँ, वो ये तो सोच सकता है वाकई, जो कुछ ऐसा गलत भी नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने किसी कारोबारी दोस्त की कंपनी में इनकी सिफारिश कर दें। यह तो कई लोगों से मरासिम हैं, लेन देन भी है, लेकिन इनके यहाँ कोई जॉब है या नहीं इस बारे में तो मालूम करना पड़ेगा। तो ज़रा जल्दी मालूम कर लें, अशफाक को हॉस्टल छोड़ने का नोटिस मिल चुका है और जब तक इन्हें कोई मुनासिब मुलाजमत ना मिले वो किराए पर मकान नहीं ले सकते। ठीक है, मैं एक दो दिन में मालूमात हासिल करके तुम्हें बता दूंगा, मिर्ज़ा साहब ने वादा किया। फिर तीसरे दिन उन्होंने शायदा को खुशखबरी सुनाई कि एक फर्म जमील इंटरप्राइजेस के मालिक जमील अहमद से उन्होंने बात की थी और जमील अशफाक को असिस्टेंट मैनेजर की जगह देने पर आमादा हो गया है। शायदा ने यह इतला अशफाक को पहुंचाई कि मैसर्स जमील इंटरप्राइजेस में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली है, अगर वो अप्लाई करे तो उम्मीद है कि काम बन जाएगा। अशफाक ने दरख्वास्त दी और इसे एक रस्मी इंटरव्यू के बाद मुलाजमत मिल गई। जमील इंटरप्राइजेस का मालिक जमील अहमद कोई अच्छा आदमी नहीं था, वो बिजनेस में खासा होशियार था और मुनाफा बख्श कारोबार कर रहा था मगर साथ ही अय्याश तपे और बिगड़े हुए किरदार का मालिक था। शराब और हसीन लड़कियां उसकी ख़ास कमजोरी थीं लेकिन इतना समझदार ज़रूर था कि बिजनेस और अय्याशी को अलग अलग खानों में रखता था। इसके दफ्तर में कई लड़कियां भी काम करती थीं मगर वो इनसे अपने रवाबित में इतनी एहतियात ज़रूर करता था कि अगर कोई लड़की इसकी नवाजिशात का मुनासिब जवाब नहीं देती थी तो वह इसे इसके हाल पर छोड़कर किसी और पर दबा आजमाई करने लगता था। यह अलग बात थी कि जो लड़की इसके इशारों पर चलने से इनकार कर देती थी वो ज़्यादा दिन मुलाजमत नहीं कर पाती थी और वह इसे किसी न किसी बहाने की आड़ में बरतरफ कर दिया करता था। इसकी एहतियात पसंदी की वजह से आम तौर पर इसकी हरकतों पर राजदारी का पर्दा पड़ा हुआ था।
जमील को असिस्टेंट मैनेजर की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो मिर्ज़ा असीज़ बेग का एहसानमंद भी था और मकरूज़ भी। कई माह पहले उसे अपने कारोबारी साख बहाल रखने के लिए मिर्ज़ा साहब से 20 लाख का कर्ज लेना पड़ा था और ये कर्ज अभी तक अदा नहीं कर सका था। इसलिए जब मिर्ज़ा साहब ने इससे अशफाक को मुलाजमत देने के बारे में बात की तो इसने बिला तामुल असिस्टेंट मैनेजर की जगह पेश कर दी। फिर जाहिर है कि इसे अशफाक के दफ्तर के लिए एक अलग कमरे का इंतज़ाम भी करना पड़ा और जो काम अपने जुम्मे ले रखे थे इनमें से कुछ अशफाक की निगरानी में देना पड़े। लेकिन टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के मामलात, यानी वो पोस्ट जिन पर लड़कियां काम कर रही थीं, इनके मामलात अपने हाथ में रखे थे। अशफाक को जमील इंटरप्राइजेज में काम करते हुए तकरीबन 2 माह हो चुके थे। उसने एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया था जिसके साथ फ़ोन की सहूलत भी थी। खाने पीने और नाश्ते का इंतज़ाम एक रेस्टोरेंट में कर लिया था और घर की सफाई सुथराई के लिए एक मुलाजमा रख ली थी जो हर दूसरे तीसरे दिन सुबह आकर सारे घर की सफाई कर जाती थी। इन तमाम अखराजात के बाद भी अशफाक कमोबेश 1,000 रुपये बचा लेता था, जिसमें से वो 800 रुपये माहाना अपने वालिद को मनी ऑर्डर कर देता था। आम कायदे के मुताबिक अभी इसकी तकरूरी आर्जी बुनियाद पर थी। मुस्तकिल होने के लिए 3 से 6 माह दरकार होते हैं और जमील ने वादा किया था कि अगर अशफाक ने इत्मीनान बख्श कारकर्दगी दिखाई तो वो इसे 3 माह के बाद ही कन्फर्म कर देगा। चुनाचे अशफाक इस इंतज़ार में था कि वो अपनी जॉब पर मुस्तकिल हो जाए तो आइंदा प्राइवेट तौर पर मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए प्रोग्राम बनाए। लेकिन तकदीर कुछ और ही खेल दिखाना चाहती थी। एक दिन से पहर 4 बजे के करीब एक लड़की जिसका नाम शकीला था जमील से मिलने आई। इस्तकबालिया क्लर्क से ये मालूम करने के बाद कि कोई लड़की इससे मिलना चाहती है और ये कि वो लड़की न सिर्फ नौजवान बल्कि बहुत खूबसूरत भी है, जमील ने इसे फौरन बुला लिया। मेरा नाम शकीला है। ऑफिस में जमील के बिलमुकाबिल मेज़ के दूसरी जानिब एक कुर्सी पर बैठते हुए शकीला ने कहा, और मैं अब्दुल वाहिद साहब की बेटी हूँ जो आपकी कंपनी में आपके वालिद के ज़माने से कैशियर के मनसब पर फाइज थे और जिन्हें आपने इनकी मुसलसल बीमारी की वजह से 5 महीने पहले सर्विस से रिटायर कर दिया था। वाहिद साहब हमारी कंपनी के बहुत पुराने मेहनती और काबिल कारकुन थे। अब उनकी तबीयत कैसी है, जमील ने पूछा। अबू की हालत बहुत ख़राब है, शकीला ने अफसुर्दगी से कहा। डॉक्टरों के ख्याल में इन्हें जिगर का कैंसर है जो अभी काबिल इलाज स्टेज में है और फौरन ऑपरेशन कर दिया जाए तो बचने के इम्कानात हैं, मगर ऑपरेशन और अस्पताल के अखराजात के लिए कम से कम 40-50 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। इतना रुपया फराहम करना हमारे बस में नहीं है, इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ कि अबू की तवील खिदमत और इनकी वफादारी का ख्याल करते हुए हमें इतनी रकम कर्ज दे दें। मैं वादा करती हूँ कि अबू अच्छे हो जाएं तो मुलाजमत करके एक एक पाई अदा कर देंगे। इसने उम्मीद भरी नज़रों से जमील की तरफ देखा और इस वक्त शकील की दास्तानें अलम पर तवज्जो देने के बजाय कुछ और ही सोच रहा था। शकीला जैसी खूबसूरत लड़की अभी तक कभी उसके जाल में नहीं फंसी थी और उसका शातिर जहन गौर कर रहा था कि शिकार खुद चलकर उसके पास आया है तो इस सुनहरी मौके से फ़ायदा ना उठाना बेवकूफ़ी होगी। इसे यकीन था कि 50,000 रुपये मिलने की उम्मीद में शकीला इसकी हर ख्वाहिश के सामने सर झुका देगी। मुझे भाई साहब की ख़तरनाक बीमारी के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ, आखिर उसने जवाब दिया, लेकिन मैं कंपनी के हालात का जायज़ा लिए बगैर कोई वादा नहीं कर सकता। मुझे देखना होगा कि मैं इस कंपनी से इतनी बड़ी रकम निकाल भी सकता हूँ या नहीं। फिर आप कब तक जवाब देंगे? डॉक्टरों का कहना है कि ऑपरेशन हर हाल में 2-3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। घबराओ नहीं,
जमील ने हमदर्दी से कहा, आज ही जवाब देने की कोशिश करूँगा, मगर तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, दो तीन अहम मामलात निपटाना है, फिर कैशियर को बुलाकर मालूम करूँगा कि बिजनेस को मुतासर किए बगैर कितना कैश निकाला जा सकता है। हमारी कंपनी कोई बड़ी कंपनी नहीं है, और जब रुपया मुख्तलिफ जगह फंसा हुआ हो तो 20-25 हज़ार का इंतज़ाम करना भी मुश्किल हो जाता है। कितनी देर इंतज़ार करना होगा? ज़्यादा देर नहीं लगेगी, जमील ने जवाब दिया, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम वेटिंग रूम में इंतज़ार करो, मेरे ऑफिस के साथ ही इस तरफ एक कमरा है, तुम इत्मीनान से वहाँ जाकर बैठो, मैं 1-1.5 घंटे बाद खुद आकर तुमसे बात करूँगा। ये जो अपनी बाएं जानिब एक दरवाज़ा देख रही हो, ये इसी कमरे का है। शकीला ने शुक्रिया अदा किया और अपनी जगह से उठकर जमील के बताए हुए दरवाजे को खोलकर दूसरे कमरे में चली गई। ये कमरा ऑफिस से कदरे छोटा था, वहाँ एक मेज़ कुर्सी और एक बेड पड़ा हुआ था। ऐसा मालूम होता था कि जब कभी जमील काम करते करते थक जाता होगा तो इस कमरे में आराम करने चला आता होगा। शकीला के जहन में दूर दूर तक कोई शक व शुबा नहीं था कि जमील उसके साथ क्या सलूक करना चाहता है। वो तो दिली दिल में ये दुआ कर रही थी कि खुदा जमील के दिल में रहम डाल दे और कंपनी के मामलात इतने अच्छे हों कि वह इसे मतलूबा रकम कर्ज देने का वादा कर ले। ऑफिस 5 बजे बंद होता था और 10-15 मिनट के अंदर तमाम अमला अपने अपने घर चला जाता था। एक चपरासी की ड्यूटी थी कि वो स्टाफ के जाने के बाद तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दे, जिन कमरों को मुकफ्फल करना ज़रूरी है इनमें ताला लगा दे और तमाम चाबियां लाकर जमील के हवाले कर दे। तब फिर जमील अपना ऑफिस लॉक करके बैरूनी दरवाजे को मुकफ्फल करते हुए घर चला जाता था। बैरूनी दरवाजे की एक चाबी इसी चपरासी के पास रहती थी और ये इसकी ड्यूटी थी कि दूसरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 बजे आकर दफ्तर खोले, बैरूनी ऑफिस की ज़रूरी सफाई करें और अगर इस वक्त तक जमील दफ्तर ना आए तो कीबोर्ड से चाबियां लेकर दूसरा कमरा भी खोल दें। ये कीबोर्ड जमील के ऑफिस के बाहर दीवार पर लगा हुआ था और इसमें बैरूनी दरवाजे और ख़ुद जमील के अपने ऑफिस के अलावा दफ्तर के हर कमरे और अलमारी की चाबियाँ लटकी रहती थीं। जमील के ऑफिस की चाबी सिर्फ इसके पास रहती थी और बैरूनी दरवाजे की चाबी इसके अलावा चपरासी के पास भी होती थी। जमील के ऑफिस से मुलहका कमरा ऐसा था कि वहाँ बैठकर कुछ मालूम नहीं किया जा सकता था कि बाकी दफ्तर में क्या हो रहा है। इसी तरह अगर इस कमरे में कोई मौजूद हो तो कंपनी का बाकी स्टाफ कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो कमरा खाली है या वहाँ कोई मौजूद है। 5:15 बजे चपरासी ने चाबियाँ जमील के मेज़ पर लाकर रख दी। जमील ने स्टाफ के बारे में मालूम किया, पता चला कि सब जा चुके हैं, मगर अशफाक साहब के बारे में मालूम नहीं कि वो अभी अपने ऑफिस में मौजूद हैं या चले गए। चपरासी ने इन्हें जाते नहीं देखा था और चूंकि जमील के ऑफिस की तरह अशफाक के ऑफिस की चाबी भी सिर्फ इसी के पास रहती थी, इसलिए चपरासी को कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो इसके जाने या न जाने की तस्दीक करे। बज़ाहिर जमील भी जाने के लिए तैयार मालूम होता था और इसने चपरासी से भी यही कहा कि वो मज़ीद ठहरने का इरादा नहीं रखता और अगर असिस्टेंट मैनेजर साहब किसी काम से रुके हुए होंगे तो दफ्तर वही बंद कर देंगे। बैरूनी दरवाजे की एक तीसरी चाबी बनवाकर अशफाक को भी दे दी गई थी। चपरासी चला गया तो जमील ने खुद पूरे दफ्तर का अशफाक के ऑफिस समीत चक्कर लगाकर ये इत्मीनान कर लिया कि इस वक्त वो शकीला के साथ ऑफिस में बिल्कुल तन्हा है। ये चक्कर लगाना इसलिए ज़रूरी था कि इन दिनों कभी कभी अशफाक काम की ज़्यादती की वजह से 5:30 बल्कि 6 बजे तक काम करता रहता था, मगर इस वक्त इसका कमरा भी खाली था। जमील पूरे इत्मीनान के साथ अपने ऑफिस में वापस आया और रेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। शकीला इसे कमरे में आते देखकर खड़ी हो गई। जमील इसकी तरफ बढ़ा। मैंने तुम्हारी मदद करने का फ़ैसला कर लिया है, इसने मुस्कुराते हुए कहा। इतना ही नहीं, मेरे ऑफिस में इस वक्त 50,000 रुपये भी मौजूद हैं जो मैंने तुम्हें देने के लिए बैंक से खसूसी दरख्वास्त करके मंगवाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब, शकीला इंतज़ार की तमाम बोरियत भूलकर खुश हो गई।
हम लोग आपका ये एहसान कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे और मैं वादा करती हूँ कि अगले माह से ही अपनी पूरी तनख्वाह कर्ज कीमत में बतौर किस्त देना शुरू कर दूँगी। तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं, जमील बोला। ये मदद एक ज़रूरी शर्त के साथ होगी। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, शकीला ने जल्दी से कहा। हर शर्त? जमील का लहजा बड़ा मायना खेज था, मगर शकीला ने इस पर गौर नहीं किया। हाँ, हर शर्त। मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, जमील ने शकीला का हाथ पकड़ लिया। जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो और 50,000 रुपये ले जाओ। शकीला को हैरत का शदीद झटका लगा। इसकी नज़रों में जैसे एकदम जमील की पूरी फितरत उरियां हो गई। अब वो ये भी समझ गई कि इसे इस कमरे में इंतज़ार करने के लिए क्यों कहा गया था। मुझे आपसे इस गिरावट की तवक्को नहीं थी, उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, लेकिन फिर भी मैं अपने अब्बू की ज़िंदगी के लिए खुद को फरोख्त कर सकती हूँ, मगर इस तरह नहीं जिस तरह आप चाहते हैं। आप मुझे रुपया दे दें, मैं वादा करती हूँ कि अब्बू का ऑपरेशन होते ही आपसे शादी कर लूँगी, मगर मैं शादी की जंजीर अपने पैरों में डालना नहीं चाहता। तुम्हें इसके बगैर ही मेरा बनना होगा। ये नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना मुझे आता है। जमील ने दोबारा शकीला को गिरफ्त में ले लिया। इस वक्त दफ्तर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। तुम खा कितना ही चीखो चिल्लाओ, कोई तुम्हारी आवाज़ ही नहीं सुनेगा। इसलिए मेरा कहना मानो, मज़ाहमत करने से कोई फ़ायदा नहीं। अभी मैं तुम्हें मतलूबा रकम भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमने मुझे ज़बरदस्ती पर मजबूर कर दिया तो अपनी इज्जत गंवा कर भी रकम हासिल नहीं कर सकोगी। ये कहते ही इसने शकीला को बिस्तर पर गिराने की कोशिश की, मगर शकीला अपनी पूरी ताकत के साथ इसकी हर कोशिश को नाकाम बनाती रही। जमील 10-5 मिनट में जिज हो गया। वो हाँपने भी लगा था। गुस्से से झुल्लाते हुए उसने कमरे की अलमारी खोलकर उसकी एक तरह से रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं जिसे चाहता हूँ या तो हासिल कर लेता हूँ, वो बोला, या फिर ख़त्म कर देता हूँ। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी इसने अपनी बात मुकम्मल ही की थी कि शकीला इस पर झपट पड़ी और इसका रिवॉल्वर वाला हाथ पकड़ लिया। जमील को शकीला से इस बेखौफी की तवक्को नहीं थी। हैरत के अनसर ने इसे एक सानिए के लिए जैसे सकते में कर दिया और शकीला ने इसी लम्हे से फ़ायदा उठाते हुए इसकी दाहिनी कलाई पूरी कुव्वत से पकड़ ली। दोनों में रिवॉल्वर पर कब्जा करने के लिए कशमकश होने लगी। जमील फिर मर्द था। उसने शकीला का हाथ मरोड़ कर रिवॉल्वर छुड़ाना चाहा, मगर अपनी जान और इज्जत बचाने के जोश ने शकीला में गैर मामूली ताकत पैदा कर दी थी। इस कशमकश में खुदा जाने कैसे रिवॉल्वर की नाल का रुख शकीला के सीने की तरफ हो गया। जमील ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए झटका दिया तो ट्रे कर दब गया। एक धमाका हुआ, गोली रिवॉल्वर की नाल से निकलकर सीधी शकीला के सीने में पेपस्त हो गई। वो एकदम बेजान सी होकर जमील के हाथों में झूल गई। जमील ने घबरा कर इसे छोड़ दिया और वह फर्श पर गिरती चली गई। इस मरतबा इसके हविस काराना एकदम का ये नतीजा होगा, जमील के बहमो गुमान में भी ना था। कुछ देर के लिए वो बिल्कुल बौखला गया, बदहवास हो गया। जहन जैसे सोचने से आ रही था कि वो इस अचानक मुसीबत से किस तरह निजात हासिल करे। इसने जल्दी से अलमारी खोलकर बिस्की की एक बोतल निकाली और गिलास के तकल्लुफ में पड़े बगैर यूं ही मुंह से लगाकर एक चौथाई बोतल खाली कर दी। फिर जब हवा ज़रा ठिकाने आए तो इसके दिमाग ने भी सोचना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसने झुककर शकीला को देखा। इसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन बज़ाहिर इसकी सांस बंद थी और चेहरे का अंदाज कह रहा था कि वो ख़त्म हो चुकी है। जमील बोतल हाथ में पकड़े बेड पर बैठ गया। 2-4 घूंट और भरे। शराब ने गिरते हुए हौसले को सहारा दिया। शकीला की आमद के बारे में इस्तकबालिया किलर के अलावा किसी को कुछ मालूम नहीं था और जमील को इत्मीनान सा था कि इसके इतनी देर नज़र न आने से किलर ने यही नतीजा निकाला होगा कि वो वापस जा चुकी है। लेकिन जाहिर है कि ये महज एक अंदाज़ा ही था।
जमील के दिमाग ने इसे बताया कि इस कत्ल के इल्ज़ाम से बचने के सिर्फ दो ही तरीके मुमकिन हो सकते हैं। अव्वल ये कि शकीला की लाश को बगैर किसी दूसरे के इल्म में आए इस तरह ठिकाने लगा दिया जाए कि फिर इसका पता ना चले। मगर इसमें दो रुकावटें थीं। शकीला यकीनन अपने घर भी ये कहकर आई होगी कि जमील से मिलने जा रही है। इसकी अचानक गुमशुदगी पर इसके घर वाले यकीनन पुलिस को यही बताएंगे। दूसरे दफ्तर के इस्तकबालिया क्लर्क ने इसे दफ्तर में आते और जमील के ऑफिस में जाते देखा होगा। पुलिस जमील के दफ्तर तक पहुंच गई तो खा लाश कितनी ही एहतियात से ठिकाने लगाई जाए इसका इम्कान फिर भी बाकी रहता है कि पुलिस जमील के दफ्तर तक आ गई तो लाश तक भी पहुंच सकती है, जिसके बाद जमील गिरफ्त में आ सकता है। दूसरा तरीका ये था कि कत्ल का शुबा अपनी ज़ात से हटाकर किसी और पर डाल दिया जाए। अगर इस काम में होशियारी से मनसूबाबंदी की जाए तो कोई और कुर्बानी का बकरा बनकर जमील को हमेशा के लिए महफूज कर सकता था। जमील ने इस अंदाज से गौर किया तो जल्द ही इसकी सोच अशफाक के गिर्द मंडलाने लगी। कुछ देर मुख्तलिफ पहलुओं पर सोचने के बाद उसने इसी प्लान को आजमाने का फैसला कर लिया। उसने हिम्मत करके शकीला को उठाया और ऑफिस में लाकर कालीन पर लिटा दिया। फिर ऑफिस का फर्नीचर मेज़ कुर्सियाँ सोफे इस तरह उलट पलट कर दिए जैसे इस दौरान में यहाँ दो अफराद में कशमकश होती रही हो। कमरे के फर्श पर जो खून जम गया था इसे साफ कर दिया और कमरे को मुकफ्फल कर दिया। अशफाक का दफ्तर उसके ऑफिस के पहलू में वाक़ था और दोनों कमरों को मिलाने के लिए इनके दरमियान एक दरवाज़ा भी था। इस तरह बाहर निकले बगैर जमील अशफाक के ऑफिस में जा सकता था और अशफाक जमील के दफ्तर में आ सकता था। जमील ने इस दरमियानी दरवाज़े को जो अमूमन बंद रहता था खोल दिया। इसके बाद रिवॉल्वर को रुमाल से खूब साफ किया और इसे रुमाल से ही पकड़े हुए ऑफिस के बाहर वेटिंग रूम में जाकर अशफाक को उसके घर फ़ोन किया। मुझे तुमसे एक ज़रूरी मामले में मशवरा करना है, उसने कहा। तुम फौरन ऑफिस आ जाओ। अशफाक इसी वक्त घर वापस पहुंचा था। उसने चाहा कि पूछे कि क्या ये गुफ्तगु कल नहीं हो सकती, मगर वो अभी आरसी तकरूरी पर था। सोचा कि कहीं जमील बुरा ना मान जाए। अच्छी बात है, इसने जवाब दिया, मैं आ रहा हूँ। जमील फ़ोन रखकर ड्राइंग रूम में ही बैठ गया, रिवॉल्वर सामने मेज पर रख लिया और अशफाक का इंतज़ार करने लगा। अशफाक तकरीबन 25 मिनट के बाद दफ्तर में दाखिल हुआ। जमील को इस तरह वेटिंग रूम में रिवॉल्वर सामने रखे बैठे देखकर इसे ताज्जुब हुआ, मगर वो कुछ बोला नहीं। मैंने सोचा कि खाली दफ्तर में ज़रा रिवॉल्वर की ही सफाई कर लूँ, जमील ने कहा। अब तुम इसे मेरे ऑफिस की अलमारी में रखाओ तो हम बैठकर इस मसले पर बात करें जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। अशफाक ने रिवॉल्वर उठाया और उसे हाथ में लिए जमील के ऑफिस की तरफ चला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, इससे पहले कि वो शकीला की लाश और इस कमरे की हालत देख सके, जमील ने जल्दी से ऑफिस का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। जमील ने बाहर से दरवाज़ा बंद करते ही करीबी पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया कि इसके असिस्टेंट मैनेजर ने एक लड़की को कत्ल कर दिया है, मगर इससे पहले कि वो भाग सके, जमील ने इसे ऑफिस में बंद कर दिया है। अब पुलिस जल्द से जल्द दफ्तर पहुंचकर कातिल को गिरफ्तार कर ले। इधर अशफाक ने ऑफिस में दाखिल होकर कमरे में फैली हुई अबतरी देखी, फिर कालीन के किनारे पर किसी लड़की को बेहिसो हरकत पड़े देखा तो उसका माथा ठनका। उसने झुककर शकीला की नब्ज या सांस की आमदोरफ जानने की कोशिश की, मगर वो ख़त्म हो चुकी थी। जिस्म अभी गर्म था, इसका मतलब था कि इसे मरे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई। जमील के सामने रिवॉल्वर, ऑफिस में एक लड़की की लाश, बेतरतीब फर्नीचर, अशफाक को हालात का अंदाज़ा लगाने में ज़्यादा देर नहीं लगी। कत्ल का मंसूबा पूरी तरह वाज़े नहीं था, लेकिन ये बात साफ थी कि किसी भी मसले पर जमील और इस लड़की में झगड़ा हुआ और जमील ने इसे गोली मार दी, फिर इसे फ़ोन करके घर से बुलाया, बहाने से रिवॉल्वर उसके हाथ में दिया और ऑफिस में बंद कर दिया। यकीनन इसने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया होगा।
इन तमाम हरकतों का मकसद वाज़ेह था कि वह अपने जुर्म में अशफाक को गिरफ्तार कराना चाहता है। उसने ऑफिस से बाहर निकलकर भागने के बारे में सोचा, मगर भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो दरमियानी दरवाजे से अपने ऑफिस में दाखिल होकर जा सकता था, मगर इसका ऑफिस मुकफ्फल था और वह ऑफिस की चाबी घर ही छोड़ आया था। दरवाजे और खिड़कियाँ इतनी मजबूत थीं कि वह इन्हें तोड़ नहीं सकता था। फिर इस वक्त तक अशफाक को इस बारे में भी शक था कि जमील इस तरह इसे कानून की नज़रों में मुजरिम बनाने में कामयाब हो सकता है। इसे कुछ मालूम नहीं था कि जमील ने इसके ख़िलाफ़ पुलिस को सुनाने के लिए क्या दास्तान सोच रखी है। इसलिए इसको ये ख्याल आया कि अगर इसने भागने की कोशिश की और बिलफर्ज कामयाब भी हो गया तो ख़ुद को पुलिस की नज़रों में मशकूक बना लेगा। पुलिस इंस्पेक्टर मजीद 15 मिनट में जमील के दफ्तर पहुंच गया। ऑफिस का दरवाज़ा खोला गया। इंस्पेक्टर मजीद ने अशफाक को खबरदार किया कि वो भागने की कोशिश ना करे। मुझे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, अशफाक ने जवाब दिया, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। इंस्पेक्टर मजीद ने पहले लाश का मुआयना किया, फिर कमरे की बेतरतीब कैफियत का जायज़ा लिया। ये आपके असिस्टेंट मैनेजर हैं, इसने अशफाक की तरफ इशारा करते हुए जमील से पूछा। जी हाँ, इसका नाम अशफाक है। आप किस तरह कहते हैं कि अशफाक ने इस लड़की को कत्ल किया है? इसलिए कि मैंने खुद इसे शकीला पर गोली चलाते देखा है। मरने वाली लड़की का नाम शकीला है, इंस्पेक्टर मजीद ने पूछा। ये कौन है? ये मेरी कंपनी की साबिक कैशियर भाई साहब की बेटी है, जमील ने जवाब दिया। इसके वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है, वो जिगर के सरतान में मुबतला हैं। शकीला मुझसे इनके ऑपरेशन के लिए ज़रूरी रकम लेने आई थी। मैंने इसे अशफाक के पास भिजवा दिया कि अगर वो सच कह रही है तो इसकी मदद की जाए। ये तकरीबन 4:30 बजे की बात है। इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि अशफाक से इसकी क्या बात हुई, अशफाक ने इसे रकम दी या नहीं, या ये कि वो ऑफिस से चली गई या हिनोस अशफाक के ऑफिस में मौजूद है। दफ्तर 5 बजे बंद हो जाता है और तमाम स्टाफ 5:15 बजे तक दफ्तर से चला जाता है। जब चपरासी तमाम दफ्तर बंद करके मेरे पास आया तो इसका ख्याल था कि अशफाक अभी अपने ऑफिस में मौजूद है। मैंने चपरासी को जाने के लिए कह दिया। दफ्तर के बैरूनी दरवाजे की 3 चाबियां हैं, जिनमें से एक चपरासी के पास है, एक मेरे पास और एक अशफाक के पास रहती है। अशफाक अक्सर दफ्तर के काम की वजह से 5:30-6 बजे जाता था। मैंने सोचा कि आज भी वो किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ है, इसलिए ये सोचकर दफ्तर से चला गया कि दफ्तर अशफाक बंद कर देगा, जैसा कि ताखिर की सूरत में वो बंद कर दिया करता था। मगर अभी मैं घर के रास्ते में ही था कि मुझे याद आया कि मैं एक ज़रूरी कागज़ अपनी मेज़ पर भूल आया हूँ। मैं वापस आया तो मैंने देखा कि अशफाक रिवॉल्वर से शकीला को धमका रहा है कि इसने खुद को इसके हवाले नहीं किया तो इसे जान से मार देगा। शकीला ने जवाब दिया कि वो अपनी इज्जत पर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर सकती है। ये सुनते ही अशफाक ने गुस्से में, इससे पहले कि मैं कुछ मुदाखलत कर सकता, शकीला को गोली मार दी। इसे गोली खाकर फर्श पर गिरते देखते ही मैंने फुर्ती से ऑफिस का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और फिर आपको फ़ोन कर दिया। मिस्टर जमील सरासर झूठ बोल रहे हैं, अशफाक ने तेज़ी से कहा। इस लड़की का नाम शकीला हो या कुछ और, इन्होंने हर किसी से मेरे पास नहीं भेजा, इसलिए अगर वो अपने वालिद के इलाज के लिए कर्ज लेने आई थी तो इससे मुलाकात और गुफ्तगु मिस्टर जमील ने ही की होगी। मुझे इसके आने तक के बारे में कोई इतला नहीं थी। ये सच है कि मैं अक्सर दफ्तर के काम की वजह से देर से उठता हूँ, मगर आज मैं 4:45 बजे घर चला गया था। ऐसा मालूम होता है कि जो कहानी इन्होंने मेरे और शकीला के बारे में बयान की है वो खुद इनके और मकतूला के दरमियान गुजरी थी। ये इस बात से भी जाहिर है कि ये ऑफिस मेरा नहीं, खुद मिस्टर जमील का है। जब इन्होंने दानिश्ता या ना दानिश्ता शकीला का खून कर दिया तो अपने आप को कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए अपना जुर्म मेरे सर डालने की कोशिश की, मेरे घर फ़ोन किया और एक ज़रूरी काम का बहाना बनाकर मुझे फ़ौरन दफ्तर आने की ताकीद की।
मैं दफ्तर पहुंचा तो ये अपने ऑफिस के बाहर वेटिंग रूम में बैठे थे और रिवॉल्वर इनके सामने मेज पर रखा था। इन्होंने मुझसे कहा कि ये अपने रिवॉल्वर की सफाई कर रहे थे और फिर मुझसे कहा कि मैं रिवॉल्वर इनके ऑफिस की अलमारी में रखा हूँ। मुझे कुछ मालूम नहीं कि मेरी अदम मौजूदगी में दफ्तर के अंदर क्या कुछ हो चुका है। मैं रिवॉल्वर अलमारी में रखने के लिए जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ, इन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर आपको फ़ोन करके बुला लिया। इंस्पेक्टर मजीद ने अशफाक का बयान भी गौर से सुना। अगर आपने शकीला को अशफाक के पास भेजा था तो फिर ये बात अशफाक के ऑफिस में होना चाहिए थी, इसने जमील को मुखातिब किया। इसका जवाब बहुत आसान है, जमील मुस्कुराया। मेरे और अशफाक के ऑफिस एक दूसरे से मुलिक हैं और इन दोनों के दरमियान एक दरवाज़ा भी है। आप देख सकते हैं कि वो दरवाज़ा खुला हुआ है। मैंने शकीला को इसी दरवाजे से अशफाक के पास भेजा था, इसलिए मुमकिन है कि दफ्तर में किसी ने भी इसे अशफाक के ऑफिस में जाते ना देखा हो। फिर जब अशफाक की नीयत में बदी आई और इसने शकीला पर काबू पाना चाहा, तो शकीला फितरी तौर पर इससे बचने और पना हासिल करने के लिए मेरे पास आना चाहती होगी, इसलिए इसने इसी दरवाजे का रुख किया और मेरे ऑफिस में आ गई। और अशफाक भी ताकुब में आया और इस कमरे में इनके दरमियान जो कशमकश हुई वो इस कमरे की हालत से वाज़े है। वो रिवॉल्वर कहाँ है, इंस्पेक्टर मजीद ने अशफाक से पूछा। मैंने इसे मिस्टर जमील की मेज़ की दराज में रख दिया। वो किसका रिवॉल्वर है? मेरा है, जमील ने बताया। अशफाक को इस रिवॉल्वर के बारे में कैसे मालूम हुआ? एक दिन मैंने इसके सामने ही रिवॉल्वर अलमारी में रखा था। इंस्पेक्टर मजीद ने मेज़ की दराज से रिवॉल्वर पर रुमाल डालकर इसे बाहर निकाला, चैम्बर खोल कर देखा, नाल सूंघी। चैम्बर का एक खाना खाली था और नाल से बारूद की बू आ रही थी। इस पर यकीनन अशफाक की उंगलियों के निशानात होंगे, जमील ने कहा। और फिर इस तरह जैसे अचानक कोई बात याद आ जाए, जल्दी से बोला। अशफाक ने अभी कहा कि मैंने इसे घर पर फ़ोन करके बुलाया, जबकि हकीकत यह है कि मुझे ना इसके घर का पता मालूम है और ना फ़ोन नंबर। इसे कंपनी की मुलाजमत में आए 1.5 माह ही हुए हैं और चूँकि मैंने इसे अपने कारोबारी दोस्त के कहने पर मुलाजमत दी थी, इसलिए इसके बारे में बहुत ही कम बातें जानता हूँ। मिस्टर जमील फिर झूठ बोल रहे हैं, अशफाक ने कहा। मैंने इन्हें खुद अपने घर का पता और फ़ोन नंबर बताया था। जमील साहब ने तुमसे रिवॉल्वर अलमारी में रखने को कहा था, इंस्पेक्टर मजीद ने सवाल किया। फिर तुमने इसे मेज़ की दराज में क्यों रखा? इसके अलावा बकौले तुम्हारे, अगर तुम यहाँ पेश आने वाले वाक्य से लाइन थे तो कमरे में कदम रखते ही तुम्हें सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया होगा, ख़ास तौर पर उस वक्त जब जमील साहब ने ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया। इन हालात में क्या यह अजीब बात नहीं कि तुम्हें रिवॉल्वर के बारे में जमील साहब की ताकीद पर अमल करने का होश रहा? मुझे ऑफिस की हालत और लड़की की लाश देखते ही यकीन हो गया था कि मिस्टर जमील मुझे अपने या किसी और के जुर्म में फांसना चाहते हैं, अशफाक ने जवाब दिया। और जब मुझे कमरे में बंद कर दी ही दिया गया था तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि रिवॉल्वर मेरे हाथ में पाया जाता है या किसी और जगह। मैंने इसे अलमारी में रखने की कोशिश की मगर वो मुकफ्फल थी, इसलिए मैंने इसे मेज़ की दराज में रख दिया और रखने से पहले रुमाल से साफ भी कर दिया ताकि इस पर तुम्हारी उंगलियों के निशानात ना पाए जाएं, इंस्पेक्टर मजीद बोला। जी नहीं, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, अशफाक ने कहा। सच बात यह है कि मुझे ख्याल ही नहीं आया, और क्यों आता जबकि मैंने कोई जुर्म ही नहीं किया था। मुझे अफसोस है अशफाक साहब, इंस्पेक्टर मजीद ने कहा। मिस्टर जमील के बयान की रोशनी और जिन हालात में पुलिस ने आपको लाश के साथ इस कमरे में पाया वो सरासर आपके खिलाफ हैं। मैं आपको शकीला नामी लड़की के कत्ल के शुबे में ज़ेर हिरासत में लेने पर मजबूर हूँ। अशफाक महसूस कर रहा था कि इंस्पेक्टर मजीद का तर्स अमल सरासर जानिबदाराना है। उसने हर उस बात को जो जमील कहे सच और हर उस बात को जो अशफाक बयान करे झूठ समझने का तहिया कर लिया था। और अगर अभी से पुलिस का रवैया ये है
तो आइंदा भी इससे इंसाफ की तवक्को नहीं हो सकती। जबकि अशफाक को यकीन हो गया था कि जमील हर सूरत में बराह रास्त या बिलवास्ता शकीला के कत्ल में मुलविस है। अगर वो कोशिश करे तो जमील के खिलाफ सबूत भी फराहम कर सकता है, जबकि अपनी गिरफ्तारी की सूरत में वो कभी खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता। भला से पुलिस आपसी तौर पर इसके मुजरिम होने का यकीन कर ले, लेकिन जब वो ठोस हकायक और शवाहिद के साथ जमील को शकीला का कातिल साबित कर देगा तो इस वक्ती ख्याल की खुद ब खुद तरदीद हो जाएगी। इस वक्त इंस्पेक्टर मजीद, इसके साथ आए हुए दो कांस्टेबल जमील और ख़ुद अशफाक इस कमरे में मौजूद थे जो जमील का ऑफिस था और जहां लाश पाई गई थी। अशफाक निस्बतन दरवाजे के करीब था। इसने फौरी फैसला किया, इसकी तरफ से किसी को भी इस हरकत की तवक्को नहीं थी, इसलिए वक्ती हैरत के अंसर ने अशफाक के हक़ में फैसला किया। अशफाक एक जस्त मारकर कमरे से बाहर निकला और इससे पहले कि इंस्पेक्टर मजीद या कोई और इसकी राह में मज़ाहिम हो सकते, इसने बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और दफ्तर से भाग निकला। वो जानता था कि पता मालूम होने के बावजूद जमील पुलिस को इसके घर नहीं भेज सकता, क्योंकि वो इंस्पेक्टर मजीद के सामने घर के पते से लाइल्म होने का इकरार कर चुका था। इसलिए सरे दस्त इसके लिए बेहतर जाए पना इसका घर ही था और वह दफ्तर से निकलकर अपने घर ही रवाना हो गया। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मजीद ने बाहर निकलने की कोशिश में अशफाक के ऑफिस को आजमाया मगर वो मुकफ्फल था। तब जमील ने बताया कि इसकी दूसरी चाबियां इसके पास मौजूद हैं। चुनाचे अशफाक के ऑफिस को जमील की फराहम करदा चाबी से खोलकर वो सब बाहर निकले। अब तो आपको अशफाक के कातिल होने का यकीन हो जाना चाहिए, जमील ने जल्दी से कहा। अगर वो मुजरिम ना होता तो भागता क्यों? लेकिन इंस्पेक्टर मजीद ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने पुलिस फोटोग्राफर तलब करके लाश के और कमरे के फ़ोटो उतरवाए। अशफाक को जमील के ऑफिस का दरमियानी दरवाज़ा जमील के ऑफिस की जानिब से बंद किया। जगह जगह से उंगलियों के निशानात भी उतरवाए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और जमील से कहा कि वो इसके ऑफिस को सरपा मोहर करना चाहता है और कुछ नहीं कह सकता कि कमरा कितने दिन बंद रहे। इसलिए अगर वो इस कमरे से अपने ज़रूरी कारोबारी कागजात या फाइलें वगैरह निकालना चाहता है तो निकाल सकता है। जमील ने अपनी फाइल कैबिनेट ऑफिस से निकालकर कमरा सरपा मोहर करने की इजाज़त दे दी। इंस्पेक्टर मजीद ने एक मरतबा फिर जमील से अशफाक के घर का पता पूछा मगर जमील ने पहला जवाब ही दिया कि वो नहीं जानता। मुमकिन है इसके दफ्तर में किसी और को अशफाक के घर का पता मालूम हो, इसलिए बेहतर होगा कि इंस्पेक्टर मजीद दूसरे दिन इसके दफ्तर आकर मालूम करे। मजीद यूँ भी जमील के ऑफिस स्टाफ से कुछ ज़रूरी मालूमात करना चाहता था, इसलिए इसने बाकी तहकीकात दूसरे दिन पर मुलतवी कर दी। एक तरफ ये वाकयात पेश आ रहे थे तो दूसरी जानिब ऐसा मालूम हो रहा था कि तकदीर कुछ और फैसला करना चाहती है। शायद अकेले ख़ानदान और ख़ानदान से बाहर पहले भी कई लोग पयाम दे चुके थे, लेकिन इसके बीए फाइनल का इम्तहान देते ही जैसे रिश्तों की बरसात शुरू हो गई। इनमें से एक रिश्ता शायदा के वालदेन की पसंद पर भी पूरा उतरा था, इसलिए ये ऐन मुमकिन था कि वो अनकरीब इस रिश्ते को मंजूर कर लें। शायदा ने ये सूरत हाल देखी तो अशफाक को सारे हालात बताने और इसे जल्द से जल्द अपने वालदेन के ज़रिए पैगाम भेजने पर आमादा करने के लिए इसे मिलने का फ़ैसला किया और ये एक इत्तेफाक था कि वो इस शाम अशफाक से मिलने उसके घर पहुंची, जिससे पहर को शकीला का कत्ल हुआ था। अशफाक दफ्तर से भागकर घर आया, खाने पीने की इतनी चीज़ें ख़रीदी कि इसे दो तीन दिन घर से बाहर ना निकलना पड़े। इसका ख्याल था कि पुलिस इसके घर का पता लगाने में कामयाब होती है या नाकाम रहती है, ये दो तीन दिन में मालूम हो जाएगा, इसलिए अभी दो तीन दिन इसका पोशीदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो वक्तन फवक्तन घर से बाहर निकलकर
जमील के और शकीला के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा। वो ये भी सोच रहा था कि अपने घर के बैरूनी दरवाजे में बाहर से कुफल लगाकर पिछले दरवाजे से आमदोरफ्त जारी रखे, ताकि पुलिस इसके घर तक पहुंच भी जाए तब भी बाहर ताला लगा देखकर यही समझे कि वो घर पर मौजूद नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे में कुफल लगा सकता, शायद इससे मिलने आ गई। बरकी घंटी की आवाज़ सुनकर अशफाक कुछ घबरा गया था, लेकिन दरवाजे के पास जाकर इत्मीनान कर लेने के बाद कि बाहर कोई और नहीं शायदा है, इसने दरवाज़ा खोल दिया। खैरियत तो है, इसने पूछा, इस वक्त कैसे आना हुआ? जवाब में शायदा ने अपने घर की तमाम सूरत हाल बताई। वक्त बहुत कम है, उसने आखिर में कहा, इसलिए आप कल ही अपने घर जाएं और कम से कम अपनी अम्मी को ज़रूर साथ लेकर वापस आएं, ताकि वो सिलसिला जुनबानी शुरू कर दें। अबू की राय आपके हक में बहुत अच्छी है, आपकी अम्मी रिश्ता लेकर आएंगी तब फिर मैं अपनी राय भी किसी ज़रिए से अबू तक पहुंचा दूंगी, जिसके बाद मुझे यकीन है कि वो हमारे हक़ में ही फ़ैसला करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि ख़ुद अशफाक की ख्वाहिश भी यही थी, मगर हालात एकदम से इतने तब्दील हो गए थे कि जब तक इसके सर से कत्ल का इल्ज़ाम ना हटे वो कोई अच्छी उम्मीद कायम ही नहीं कर सकता था, और मौजूदा सूरत हाल में शाहिदा को राजदार बनाना भी मुश्किल था। बिलफर्ज वो अशफाक की बेगुनाही का यकीन भी कर ले तब भी मिर्ज़ा अजीज़ बेग से ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो कत्ल के सिलसिले में मतलूब एक मुशतबा नौजवान के हाथ में अपने अकलौती बेटे का हाथ देने का फ़ैसला करेंगे। इनके मुतवक्का फ़ैसले से शाहिदा को दुख होना लाजमी था, और इस गम से शाहिदा को बचाने की बाई सूरत ये थी कि अशफाक इसके दिल में अपने लिए मौजूद मोहब्बत और पसंदीदगी को नफ़रत ये कम से कम सर्द मेरी में तब्दील कर दे। और उसने जवाब दिया, मैं कल कैसे जा सकता हूँ, छुट्टी ही नहीं मिलेगी, तुम जानती हो कि मैं आर्जी तकर्रुरी पर काम कर रहा हूँ। तो आप बगैर छुट्टी लिए ही चले जाएं, शाहिदा ने कहा, ये मेरे और आपके मुस्तकबिल का सवाल है। जमील साहब मेरी इस गैर जिम्मेदारी पर मुझे मुलाजमत से बरतरफ कर सकते हैं, अशफाक ने कहा, और इस मुलाजमत से मेरे अहले ख़ानदान का मुस्तकबिल वाबस्ता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुलाजमत तो फिर भी मिल सकती है, लेकिन मेरे वालदेन ने कोई दूसरा फैसला कर लिया तो फिर मैं और आप जिंदगी भर कभी नहीं मिल सकेंगे। ऐसी अच्छी मुलाजमत भी दूसरी नहीं मिल सकेगी, अशफाक ने खुश्क लहजे में कहा। क्या मैं इसका ये मतलब समझूं कि आपको मेरे और अपने मुस्तकबिल से कोई दिलचस्पी नहीं है? इसका मतलब यह है कि अब मुझे सच बोलना ही पड़ेगा, अशफाक ने अपने जज्बात बड़ी कामयाबी से छुपाते हुए कहा। मुझे मालूम था कि मेरा और तुम्हारा साथ कभी नहीं हो सकता, मगर मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करने और फिर कोई अच्छी मुलाजमत हासिल करने के लिए तुम जैसी किसी हस्ती के तावन की शदीद ज़रूरत थी। मुझे अफसोस है कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए मैंने ऐसा किया, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मुझे तुमसे हकीकी मायनों में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैंने तुम्हें कामयाबी हासिल करने के लिए आलाकार बनाया था। जब मैंने तालीम मुकम्मल कर ली और मुझे तुम्हारे वालिद की सिफारिश से मुलाजमत भी मिल गई तो जाहिर है कि मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं अब तुम्हारे लिए मशवरा यही दूंगा कि जहाँ तुम्हारे वालदेन का इरादा है वहीं शादी कर लो, यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। शाहिदा हैरतज़दा अंदाज में अशफाक को देखती रह गई, इसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे आपसे इस फरेब की तवक्को नहीं थी, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। आदमी ज़िंदगी में ठोकर खाकर ही तजुर्बा हासिल करता है, अशफाक ने सर्द अंदाज में कहा। उम्मीद है कि आइंदा किसी पर एतमाद करते हुए तुम इस तजुर्बे से ज़रूर कोई सबक हासिल करोगी। इतनी गुफ्तगू के बाद शाहिदा के लिए वहाँ एक लम्हा
ठहरना भी मुश्किल हो रहा था। वो कोई जवाब दिए बगैर आंसू खुश करती हुई उठी और कमरे से बाहर निकल गई। दूसरे दिन के अखबारात में शकीला के कत्ल, अशफाक पर इसके कातिल होने के शुबे के साथ ही इसके पुलिस के कब्जे से भागने की खबर पूरी तफसील से अखबारात में आ गई और जाहिर है कि शायदा और उसके घर वाले भी इस वाक़े से वाकिफ हो गए। मिर्ज़ा अज़ीज़ पे रद्द अमल कुछ भी हो, लेकिन इस खबर ने शायदा पर हैरत अंगेज असर किया। इसे ना सिर्फ इस पर यकीन नहीं आया कि अशफाक किसी को कत्ल कर सकता है, बल्कि गुज़िश्ता शाम अशफाक के सरासर गैर मुतवक्का रद्द तर्ज़े अमल की वजह भी समझ में आ गई। वो जान गई कम से कम अपने जज्बात व एतमाद की हद तक कि कल शाम अशफाक ने इसे जो कुछ कहा था वो इस वाक़े के पस मंज़र में ही कहा था। वो नहीं चाहता था कि शायदा ख़ुद को एक ऐसे फर्ज से वाबस्ता कर ले जिस पर कत्ल का संगीन इल्ज़ाम लग चुका हो। अखबार में खबर की तफसील से इसे ये भी पता चल गया कि पुलिस को ये इल्म नहीं है कि अशफाक खुद अपने ही घर में छुपा बैठा है। दूसरे दिन शाम की तारीकी में वो एक बार फिर अशफाक के घर के सामने खड़ी थी, लेकिन इस मरतबा इसे बैरूनी दरवाजे में कुफल नज़र आ रहा था। अखबार से शाहिदा को ये तासुर मिला था कि पुलिस को अशफाक के घर के पते का इल्म नहीं है, इसलिए उसने यही अंदाज़ा लगाया कि इन हालात में अशफाक के लिए अपने घर से बेहतर कोई जाय पना नहीं हो सकती। कुफल लगा होने के बावजूद उसका दिल कह रहा था कि अशफाक घर में ही मौजूद है और उसने दरवाजे में ताला दूसरों को गलतफहमी में मुब्तला करने के लिए डाला है। वो अशफाक के घर कई मरतबा आ चुकी थी और जानती थी कि इसका एक अकवी दरवाज़ा भी है। चुनाचे वो अकवी दरवाजे पर पहुंची और दस्तक देने के साथ ही ये भी आहिस्ता लहजे में कहा कि अगर अशफाक घर में मौजूद है तो दरवाज़ा खोल दे, वो इसे बेहद ज़रूरी बातें करना चाहती है। अशफाक घर में ही था, शायदा के मुसलसल दस्तक देने से मजबूर होकर उसे दरवाज़ा खोलना पड़ा। तुम अब क्यों आई हो, इसने पूछा। ये कहने के लिए आपने मेरे दिल में अपने लिए नफ़रत पैदा करने की जो कोशिश की थी वो कामयाब नहीं हो सकी, शायदा ने गुलू की लहजे में जवाब दिया, मगर मुझे इस बात से दुख हुआ कि आप आजमाइश की घड़ी में मुझ पर भी एतमाद नहीं कर सके। आपने कैसे समझ लिया कि मैं भी आपको जुर्म का मुर्तकिब ख्याल करूंगी? कल मैंने जो कुछ कहा था इसका इस वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं, अशफाक ने दूसरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। अगर वो सब कुछ दुरुस्त था तो आप मेरी तरफ देखकर और मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करें। बिलाखिर अशफाक को उसकी मोहब्बत, खलूस और एतमाद के सामने हार मानना पड़ी। मेरे दिली जज्बात कुछ ही क्यों ना हों, आखिर उसने जवाब दिया, लेकिन मुझ पर एक संगीन इल्ज़ाम लग चुका है। कौन जाने पकड़ा जाऊं तो सज़ा भी हो जाए, क्या अब से पहले बेगुनाह अफराद फांसी नहीं पाते रहे? फिर मेरे साथ अपना मुस्तकबिल तारीख क्यों करती हो? आप बेगुनाह हैं तो ये कैसे फर्ज कर लिया जाए कि अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते? मैं भागा तो इसी ख्याल से था, अशफाक ने कहा, मगर अब ये एहसास होता है कि तन्हा मेरे लिए अपनी बेगुनाही साबित करना तकरीबन नामुमकिन है। आदमी अगर हौसला ना हारे तो कोई काम नामुमकिन नहीं, शायदा ने पूरे तुमाद लहजे में जवाब दिया। आपको ये जान के यकीनन इत्मीनान होगा कि मेरे अब्बू भी आपको बेगुनाह ख्याल करते हैं। जमील के बारे में इनकी राय कुछ अच्छी नहीं है, इसके मुतालिक कई बातें इनके कानों तक पहुंची हैं, मगर तुम्हारे या मिर्ज़ा साहब के बेगुनाह समझने से मुझे क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? असल मामला तो कानून का है और जमील ने मेरे खिलाफ़ जो बयान दिया है इसे गलत साबित करना इंतहाई मुश्किल है। इसकी भी एक सूरत निकल सकती है, शायदा ने कहा। इत्तेफाक से इंस्पेक्टर मजीद जो इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं मेरे भाईजान के दोस्तों में शामिल हैं। मैंने और अपू ने कहा है
कि वो इंस्पेक्टर मजीद से मिलकर इस पर जोर डालें कि वो जमील के बयान को मिनोअन कबूल ना करें और सिर्फ आपके खिलाफ तहकीकात करने के बजाय पूरे मामले को खुले जहन और गैर जानबदाराना अंदाज में देखते हुए जमील के बयान की तस्दीक भी करें। लेकिन इंस्पेक्टर मजीद का तआवुन हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप ख़ुद को कानून के हवाले कर दें या कम से कम इंस्पेक्टर मजीद को ये मालूम हो कि आप कहाँ रुपोश हैं। अगर तुम और मिर्ज़ा साहब मुझे बेगुनाह ख्याल करते हो और तुम लोगों को उम्मीद है कि इंस्पेक्टर मजीद पूरी गैर जानिबदारी से तहकीकात कर सकता है, तब मुझे ख़ुद को कानून के हवाले करने पर कोई एतराज़ नहीं है। तुम इस बारे में अपने भाईजान से मशवरा कर लो कि वो पहले इंस्पेक्टर मजीद से मिलकर इसके ख्यालात मालूम करें और फिर जो कदम मुनासिब समझें उठाएं। मैं हर तआवुन के लिए आमादा हूँ। शायदा के भाई ताहिर बेग ने इंस्पेक्टर मजीद से मुलाकात की। अशफाक ने फरार होकर खुद अपने हक में मुश्किल पैदा कर ली। इंस्पेक्टर मजीद ने कहा, वरना मैं जमील के बयान से खुद मुतमईन नहीं था। अशफाक ने आपके तर्ज अमल को देखते हुए ये ख्याल किया कि आपने जमील का बयान सुनकर ही इसे चेक किए बगैर मुजरिम समझ लिया है, तो इसे इंसाफ हासिल करने की तवक्को नहीं रही। ताहिर ने जवाब दिया, वो इसलिए भागा था कि खुद अपनी बेगुनाही के सबूत फराहम करके आपको पेश करेगा। मैंने ऐसा तर्ज अमल दानिशा इख्तियार किया था, इंस्पेक्टर मजीद ने जवाब दिया, ताकि जमील को यकीन हो जाए कि पुलिस ने इसका बयान मिनोअन कबूल कर लिया है, वरना इस वक्त भी मेरे जहन में जमील के खिलाफ कई शकूक थे। मसलन क्या? ताहिर ने पूछा। मसलन जमील का ये कहना कि इसने शकीला को दोनों कमरों के अंदरूनी दरवाजे से अशफाक के पास भेजा। मजीद ने जवाब दिया, आखिर उसे इस राजदारी की क्या ज़रूरत थी? जाहिर है कि ये बात उसने इसलिए कही थी कि दफ्तर में कई अफराद ने शकीला को सिर्फ उसके ऑफिस में दाखिल होते देखा था और अशफाक को मुलविस करने के लिए ज़रूरी था कि अशफाक के पास शकीला का जाना भी जाहिर किया जाए। दूसरे के जमील ने अशफाक से रिवॉल्वर अलमारी में रखने को कहा, जबकि अलमारी मुकफल थी। अगर वो वाकई रिवॉल्वर अलमारी में रखवाना चाहता था तो इसे अलमारी की चाबियां भी देता, मगर बज़ाहिर इसका मकसद इस हरकत से ये था कि रिवॉल्वर पर अशफाक की उंगलियों के निशानात आ जाएं। पुलिस लेबॉर्टरी की रिपोर्ट से मज़ीद तस्दीक हो गई कि रिवॉल्वर पर सिर्फ अशफाक की उंगलियों के निशानात हैं। अगर जमील रिवॉल्वर साफ भी कर रहा था तो इस पर इसकी उंगलियों के निशानात तो होने चाहिए थे। अब तो ऐसा मालूम होता है कि इसने रिवॉल्वर इस एहतियात से साफ किया था कि इस पर इसकी उंगलियों का कोई निशान ही ना रहे, और अगर ये दानिश्ता अमल किया तो जाहिर है कि इस बात को छुपाने के लिए ही हो सकता है कि वो रिवॉल्वर जमील ने इस्तेमाल किया था। फिर एक बात मज़ीद सामने आई, जब अशफाक हमें ऑफिस में बंद करके भागा तो हमने अशफाक के ऑफिस से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर वो मुकफल था, दफ्तर का अमला जा चुका था। शकीला पर हमला करने के लिए अशफाक को अपना ऑफिस मुकफल करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे ये तो जाहिर होता है कि जैसा उसने बयान किया वो वाकई ऑफिस बंद करके घर जा चुका था और इसे बाद में फ़ोन करके बुलाया गया। ये सारे पॉइंट्स ये साबित करते हैं, ताहिर ने जोश के साथ कहा, कि कातिल अशफाक नहीं जमील है। यकीनन ये शुबा पैदा होता है, मगर मुश्किल ये है कि जमील के बयान के मुताबिक इसने अपनी आंखों से अशफाक को शकीला पर गोली चलाते देखा था, गोया वो वारदात का वाहिद ऐनी गवाह है। मैंने जो नुकात बयान किए, सफाई का कोई चालाक वकील आसानी से इनकी कोई दूसरी तशरीह कर सकता है, और दुश्वारी यह है कि इस वक्त ऑफिस में जमील और अशफाक के सिवा कोई और नहीं था। मैंने ऑफिस के स्टाफ से भी सवालात किए हैं, बज़ाहिर किसी ने अशफाक को घर जाते नहीं देखा था और न ही किसी को उसके घर का पता या फ़ोन नंबर मालूम है। इससे जमील के बयान की तस्दीक होती है। अगरचे अशफाक का कहना है
कि इसने जमील को अपने घर का पता और फ़ोन नंबर बता दिया था, जो सच भी हो सकता है, मगर इस सच को साबित करना ज़रा मुश्किल है। मुझे अशफाक के घर का पता मालूम होता तो मैं टेलीफोन एक्सचेंज से ये मालूम करने की कोशिश करता कि इस दिन अशफाक के फ़ोन के लिए कोई कॉल 5:15 और 6 बजे के दरमियान आई थी या नहीं। मैंने आपको तमाम हालात बता दिए हैं, आप अब ये मालूमात हासिल करें। वो तो करूँगा ही, लेकिन अशफाक के बारे में मेरा ये मशवरा है कि वो पुलिस स्टेशन आकर ख़ुद को कानून के हवाले करते। मैंने अभी तक जमील के ऑफिस को सर बमोहर कर रखा है। अशफाक गिरफ्तार हो जाए तो मैं इसे एक बार फिर मौका वारदात पर ले जाकर इससे और जमील से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। मैं अभी 1 घंटे के अंदर अशफाक को हाजिर करने की जिम्मेदारी लेता हूँ, ताहिर ने उठते हुए कहा। अशफाक ने खुद को कानून के सुपुर्द कर दिया। इंस्पेक्टर मजीद ने इसका दूसरा बयान भी लिया कि वो पुलिस से बचकर सिर्फ इसलिए भागा था कि अपनी बेगुनाही का सबूत फराहम कर सके। जब इसे यकीन हो गया कि वो तन्हा ये मुश्किल काम सरंजाम नहीं दे सकता तो उसने इंसाफ और कानून पर एतमाद करते हुए खुद को कानून के हवाले कर दिया। वो शकीला के कत्ल के इल्ज़ाम से कतई बेगुनाह है और इसे यकीन है कि पुलिस ने पूरी गैर जानिबदारी से तहकीकात की तो असल कातिल ज़रूर पकड़ा जाएगा। दूसरे दिन इंस्पेक्टर मजीद दफ्तरी औकात के बाद तकरीबन 5:30 बजे अशफाक को अपने साथ लेकर जमील की कंपनी के दफ्तर पहुंचा। इसने जमील को पहले ही फ़ोन पर बता दिया था कि वो कुछ मज़ीद तहकीकात करना चाहता है, इसलिए जमील 5:30 बजे ऑफिस में मौजूद रहे। उसने ये नहीं बताया था कि अशफाक भी उसके साथ होगा, इसलिए जमील इसे देखकर चौंक सा गया। मेरी समझ में नहीं आता कि जब उसने भागकर अपने मुजरिम होने का सबूत भी फराहम कर दिया, फिर आपको मज़ीद तहकीकात की क्या ज़रूरत है, उसने इंस्पेक्टर मजीद से कहा। अशफाक तो इस जुर्म से इनकार करता है, मजीद ने जवाब दिया, लेकिन अगर इकरार भी करता तब भी हमें इसके इकरारी बयान की तायद में सबूत हासिल करने के लिए तहकीकात करना होती। किसी जुर्म के सिलसिले में महज एतराफ़ हो इनकार पर फैसला नहीं हुआ करता। इसने जमील का मुकफ्फल ऑफिस दोबारा खोला और इस जगह का मुआयना किया जहां कालीन के किनारे शकीला की लाश मिली थी। इस जगह खून के सिर्फ चंद कतरे ही कालीन पर नज़र आ रहे थे, अलबत्ता इस जगह से 2 फीट दूर खून का एक निस्बतन बड़ा और वाज़े निशान था। मैंने पहले इस पर गौर नहीं किया था, मजीद ने खून के दागों की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन अब ऐसा मालूम होता है जैसे शकीला गोली खाकर यहाँ गिरी और भी यहाँ से कालीन के किनारे तक सिरकती हुई गई, शायद वो दरवाजे तक पहुँचना चाहती थी, जो कि जाहिर है कि इस वक्त खुला हुआ होगा, लेकिन कालीन के किनारे तक पहुँचकर इसकी हिम्मत और जिंदगी जवाब दे गई। मालूम तो ऐसा ही होता है, जमील ने निशानात को गौर से देखते हुए सर हिलाया। एक बात और काबिले गौर है, मजीद बोला, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक चूँकि रिवॉल्वर बड़े बोर का था इसलिए ज़ख्म से काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था, मगर यहाँ कालीन पर खून भी कुछ ज़्यादा नहीं मालूम होता। तो फिर, जमील ने सरसरी लहजे में कहा, इसे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत कुछ, जमील ने सोचते हुए जवाब दिया, इससे मालूम होता है कि शकीला को गोली इस कमरे में नहीं कहीं और मारी गई, इसका ज़्यादा खून वहाँ ज़ाया हुआ। जमील कुछ चौंका मगर अपनी हैरत को छुपाते हुए अशफाक की तरफ देखा। तुमने इसे कहाँ गोली मारी थी, इसने पूछा। मैंने शकीला को कत्ल नहीं किया, मुमकिन है कि चूँकि बज़ाहिर वारदात का आगाज़ अशफाक के ऑफिस से हुआ था, मजीद बोला, इसलिए इसे गोली भी वहीं मारी गई हो। हमें एक बार इस कमरे को फिर देखना होगा, लेकिन अशफाक के ऑफिस में कोई एक चीज़ भी अपनी असल जगह से हटी हुई मालूम नहीं होती थी। इसके ऑफिस में कालीन भी नहीं था, फर्श पर कुछ गर्द भी जमा हो चुकी थी,
इंस्पेक्टर मजीद ने कमरे के फर्श, सोफों और कुर्सियों पर एक एक चीज़ को बड़ी तवज्जो से देखा और फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, गोली इस कमरे में नहीं मारी गई। यह आप कैसे कह सकते हैं? जमील ने एतराज़ किया। क्या ये नहीं हो सकता कि अशफाक ने खून साफ कर दिया हो? मगर कब? आपने इसे गोली मारते हुए ऑफिस बाहर से बंद कर दिया और पुलिस 15 मिनट के अंदर पहुंच गई थी। 15 मिनट भी बहुत होते हैं। यकीनन, लेकिन आखिर इसने किस चीज़ से खून साफ किया होगा? इसके ऑफिस में तो कोई अटैच बाथरूम भी नहीं है, मजीद ने कहा। फिर पुलिस की आमद पर ऐसी कोई चीज़ भी नहीं पाई गई जिससे खून साफ करने का काम लिया गया हो, और न ही कोई हल्का या गहरा दाग यहाँ नज़र आ रहा है। नहीं जमील साहब, शकीला को इस कमरे में नहीं, कहीं और गोली मारी गई थी। मगर कहाँ? जमील कुछ परेशान नज़र आ रहा था। आपके ऑफिस के साथ कोई अटैच बात या कोई कमरा वगैरह है? मजीद ने बड़े रस्मी लहजे में पूछा। अरे हाँ, जमील ने चौंकने की अदाकारी की, मेरे ऑफिस के सामने रेस्ट रूम है जहाँ कभी कभी मैं आराम करने लेट जाता हूँ। इस कमरे में बाथरूम भी है। क्या अशफाक इस कमरे से वाकिफ है? यकीनन होगा, ये मेरे ऑफिस में आता जाता रहता था। बल्कि मुमकिन है कि मुझे रेस्ट रूम में जाते या वहाँ से आते देखा भी होगा। मैं इस कमरे को देखना चाहता हूँ, इंस्पेक्टर मजीद ने कहा। जमील को मजबूरन अपना रेस्ट रूम खोलना पड़ा। ये तो मुकफ्फल था, मजीद बोला। जाहिर है, अगर अशफाक ने वहाँ कोई हरकत की है तो इसे मुकफ्फल ही होना चाहिए, जमील ने तंजिया लहजे में कहा। तो क्या इसकी चाबी अशफाक के पास रहती है? जी नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ कि बाकी वाले दिन मेरा चपरासी इस तमाम ऑफिस सिवाय एक अशफाक के दफ्तर के बंद करके इसकी चाबियाँ मुझे दे गया था। मैं जब गया तो चाबियाँ मेज पर ही रह गई थीं। इन्हीं में रेस्ट रूम की चाबी भी थी। दरअसल मैं वो चाबियाँ लेने वापस आया था। मगर आपने तो बताया था कि कुछ कागजात भूल गए थे, मजीद ने सादगी से पूछा। हाँ, कुछ कागजात भी रह गए थे और चाबियाँ भी, जमील संभल कर बोला। इन चाबियों में से कुछ मैं अपने पास रखता हूँ और कुछ ऑफिस के बाहर कीबोर्ड पर लटका दी जाती हैं ताकि अगले दिन चपरासी ऑफिस खोल सके। अगर रेस्ट रूम की चाबी आपके पास थी तो अशफाक को इस चाबी के बारे में कैसे मालूम हुआ कि वो इसी जगह मौजूद है? मेरा ख्याल है कि ये अपना मकसद पूरा करने के लिए शकीला को मेरे रेस्ट रूम में ले गया होगा, जमील ने सोचते हुए जवाब दिया। चाबियाँ मेज पर रखी थीं, इसे रेस्ट रूम के बारे में मालूम था। फिर दो तीन चाबियाँ आजमा कर रेस्ट रूम की चाबी मालूम कर लेना कौन सा मुश्किल काम था? आपके ख्याल में अशफाक ने शकीला को क्या कहकर रेस्ट रूम में जाने पर आमादा किया होगा? मजीद ने सवाल किया, क्योंकि साफ जाहिर है कि जब तक अशफाक इसे रेस्ट रूम में नहीं ले गया, वो आराम से खामोश खड़ी इसे चाबी तलाश करते देखती रही और अपने बचाव के लिए कुछ नहीं किया। मुमकिन है इसने इसे कहा हो कि रकम इस कमरे में रखी है, जमील ने जल्दी से कहा। हाँ, ये मुमकिन है, मजीद कमरे में दाखिल हुआ। अगरचे जमील ने फर्श साफ करने की पूरी कोशिश की थी, मगर फिर भी अब खुश्क होने पर वो जगह दूसरे फर्श के मुकाबले में बिल्कुल वाज़े नज़र आ रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि रद्दी की टोकरी में मेज साफ करने का वो झाड़न भी पड़ा था जिसको गीला करके जमील ने फर्श से खून के दाग साफ किए थे, और धोने के बावजूद इस पर खून की कुछ ना कुछ रंगत बाकी थी। यकीनन अशफाक ने शकीला को इसी कमरे में गोली मारी थी, इस इनकशाफ से जमील जैसे जोश में आकर बोला। मगर आपका तो बयान है कि अशफाक ने आपकी नज़रों के सामने ऑफिस में गोली मारी थी, मजीद का लहजा अब भी किसी खास तासुर से खाली था। मैं ऑफिस से तकरीबन 10 कदम के फासले पर था, जमील संभल कर बोला। मुमकिन है मुझे ही समझने में धोखा हुआ हो और वह इसे गोली पहले मार चुका हो। मैंने शकीला को लड़खड़ाकर गिरते देखकर
कुदरती तौर पर यही समझा कि उसने इसी वक्त गोली मारी है। गोया आपने गोली की आवाज़ नहीं सुनी थी। मैं ऑफिस में अशफाक को शकीला पर हमलावर होता देखकर घबरा गया था। जमील का जहन हर सवाल का तेज़ी से जवाब सोचने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे ठीक से कुछ याद नहीं आता कि मैंने गोली की आवाज़ कब सुनी थी, दफ्तर में दाखिल होते ही या बाद में, मगर आवाज़ सुनी ज़रूर थी। एक सवाल ये भी पैदा होता है, इंस्पेक्टर मजीद ने कहा, कि अगर अशफाक ने इस रेस्ट रूम में गोली मारी थी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शकीला पर पहले ही हमला कर चुका था। मगर यहाँ की चीज़ें बिल्कुल बेतरतीब नहीं हैं, ऐसा क्यों? अब मैं इसका क्या जवाब दूँ? आप अशफाक से क्यों नहीं पूछते? एक और सवाल ये भी जहन में उभरता है, मजीद ने जैसे जमील की बात सुनी ही ना हो, कि अगर शकीला को इस कमरे में गोली मारी गई तो फिर क्या गोली खाने के बाद इसके अंदर इतनी ताकत रह गई थी कि वो इस कदर मज़ाहमत कर सकती, जैसा कि ऑफिस की उलट पुलट कुर्सियों और सोफ़ों से बज़ाहिर होता है, जबकि आपने भी इसे गिरते हुए देखा, मज़ाहमत करते हुए नहीं। आखिर इन सवालों से आपका मकसद क्या है? जमील अब काफ़ी नर्वस मालूम हो रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ वो इसी कमरे में हुआ, मजीद ने जवाब दिया। शकीला गोली खाकर यहाँ पर ही गिरी, जैसा कि फर्श से साफ किए हुए खून से जाहिर होता है। इसके बाद कातिल ने इसे उठाकर ऑफिस में डाल दिया, यहाँ का खून साफ किया, बेतरतीब चीज़ों को ठीक किया, फिर ये जाहिर करने के लिए जैसे कशमकश यहाँ नहीं ऑफिस में हुई है, ऑफिस के फर्नीचर को उलट पुलट कर दिया। चुनाचे सवाल पैदा ये होता है कि ऐसा करने से इसका क्या मकसद था? जमील खामोश रहा। अशफाक उम्मीद भरी नज़रों से इंस्पेक्टर मजीद की तरफ देख रहा था, लेकिन कातिल को ये बात मालूम नहीं थी कि शकीला भी मरी नहीं है। यह आप कैसे कह सकते हैं? जमील ने चौंक कर पूछा था। इस तरह कि शकीला जहां गिरी थी वहां से उसने आगे सरकने की कोशिश की, मजीद ने कहा। आइए अब ऑफिस में वापस चलते हैं और ये मालूम करने की कोशिश करें कि शकीला के हरकत करने का क्या मकसद था, और आया कातिल ने इसकी हरकत को महसूस किया या नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मैं कसम खाता हूँ, दफ़तन अशफाक ने कहा, मुझे इस रेस्ट रूम का कोई पता नहीं था, और अगर शकीला को यहाँ गोली मारी गई है तो साफ जाहिर है कि ये काम जमील के सिवा किसी और का नहीं हो सकता। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि मुझे शकीला के आने का भी कोई इल्म नहीं था। ऐसा मालूम होता है कि शकीला ने अपने वालिद के इलाज के लिए जमील से रकम बतौर कर्ज या बतौर इमदाद लेने आई। इसे देखकर जमील की नीयत ख़राब हो गई। इसने इंतज़ार करने के बहाने शकीला को रेस्ट रूम में बिठाया, और जब तमाम स्टाफ चला गया तब अपना नापाक मकसद पूरा करना चाहा। शकीला ने कुदरती तौर पर मज़ाहमत की और जमील ने दानिश्ता या नादानिश्ता इसे कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद इसे होश आया कि मैंने क्या कर दिया है, और इसने अपनी जगह मुझे कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए घर से फ़ोन करके बुलाया, और इतनी देर में वो दास्तान भी सोच ली जो इसे पुलिस के सामने बयान करनी थी। बकवास बंद करो, जमील चीखा, तुम इस तरह अपना जुर्म मेरे सर नहीं मन सकते। मैंने शकीला को तुम्हारे पास भेज दिया था और अपनी आंखों से तुम्हें इसके साथ ऑफिस में इस हालत में देखा कि वो तुम्हारी मारी हुई गोली का जख्म खाकर फर्श पर गिर रही थी। एक सवाल और भी पैदा होता है, मजीद ने रेस्ट रूम से ऑफिस में वापस आते हुए कहा, जैसे इसने जमील और अशफाक की ये झड़प बिल्कुल ही ना सुनी हो। जमील साहब, आपने ऑफिस का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। जी हाँ, मगर अशफाक ने कमरे में भागने की कोशिश नहीं की। ये कैसे भाग सकता था? आप भूल रहे हैं, बकौले आपके अशफाक अपने ऑफिस से शकीला का ताकुब करते हुए या यूं ही इसे साथ लेकर आपके ऑफिस में आया था, लेकिन इसके भागने के लिए इसके ऑफिस का रास्ता खुला था। खुला नहीं, मुकफ्फल था, जमील जल्दी से बोला। आपको याद नहीं क्या हमने बाहर निकलने के लिए इसे खोला था?
हाँ, मगर इसी चाबी से जो आपके ऑफिस में मौजूद थी, मजीद ने जवाब दिया। क्या अशफाक इस चाबी से अपने ऑफिस का कुफल खोल नहीं सकता था, जबकि इसके पास भी अपने ऑफिस की चाबी मौजूद थी? आप कहना क्या चाहते हैं? जमील की पेशानी पसीने से भीगने लगी थी। ये कि जैसा अभी अशफाक ने कहा, शकीला के कत्ल का शुबा आप पर भी किया जा सकता है, मजीद ने जवाब दिया। मगर कोई हतमी राय कायम करने से पहले मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि शकीला ने अपनी जगह से हरकत क्यों की, जबकि वो जानती थी कि वो इस नाजुक हालत में जान बचाकर भाग नहीं सकती। ये कहते हुए वो आगे बढ़ा और इस जगह जहाँ कालीन के किनारे खून के कुछ कतरे नजर आ रहे थे, बैठकर गौर से कालीन पर इर्द गिर्द देखने लगा। चंद लम्हे इधर उधर देखने के बाद उसने कालीन का सिरा उठाया और उसके मुंह से बेख्तियार एक पुरजोश कलमा निकला। अरे ये क्या है? क्या है? जमील जल्दी से आगे बढ़ा। कालीन के उठे हुए किनारे के नीचे फर्श पर खूनी हरूफ में कुछ लिखा नजर आ रहा था। ऐसा मालूम होता है कि शकीला ने मरने से पहले अपने कातिल के बारे में कोई इशारा किया है, मजीद ने बेसाख्ता कहा। इबारत चूंकि कालीन की सिमट में लिखी हुई थी, इसलिए इसे बाजी तौर पर पढ़ने के लिए मजीद को दूसरी तरफ आना पड़ा। साथ ही अशफाक और जमील भी इस जगह आए। अब इबारत साफ नजर आ रही थी। खून में डूबी हुई उंगली से शकीला ने फर्श पर लिखा था, मुझे जमील ने कत्ल किया है। इंस्पेक्टर मजीद को वह खूनी इबारत बुलंद आवाज से पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो अब तक जिन नफ्सियाती अरबों से काम ले रहा था, इनका दबाव बरकरार रखने के लिए इसने अल्फाज का आवाज़ से पढ़ना ज़रूरी समझा और इसका खातिर खा असर हुआ। जमील ने फौरन जस्त लगाकर कुछ फासले पर खड़े होते हुए जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंस्पेक्टर तुम इतने होशियार साबित हो गए, उसने कहा। हाँ, मैंने शकीला को गोली मारी थी, अगरचे वो महज एक हादसा था। मैंने इसे सिर्फ डराने के लिए रिवॉल्वर निकाला था। मैं इस अहमक को इसके वालिद के इलाज के लिए 50,000 रुपये दे रहा था, मगर इसके बावजूद वो मुझे हाथ नहीं लगाने दे रही थी। जो होना था वो तो हो गया, मगर तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकोगे। मैंने एहतियातन अपने फरार के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए थे। मुझे सिर्फ 15 मिनट की मोहलत दरकार है। तुम और तुम्हारे दो कांस्टेबल इस कमरे में बंद होंगे और आज तुम्हारे पास अशफाक के ऑफिस की चाबी भी नहीं होगी कि तुम इस तरफ से बाहर आ जा सको। मेरा मशवरा है कि मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना मैं गोली चलाने से दरेक नहीं करूँगा। मेरे हाथों एक कत्ल हो चुका है, दो चार और भी हो जाएं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जाहिर है तुम्हारा कानून मुझे एक मर्तबा से ज़्यादा मौत की सज़ा नहीं दे सकता। वो आहिस्ता आहिस्ता ऑफिस के दरवाजे की तरफ चला, मगर इसने इंस्पेक्टर मजीद की ज़हानत का अंदाज़ा लगाने में गलती की थी। वो बिलाशुबा अशफाक और सिर्फ दो कांस्टेबलों के साथ ही ऑफिस में दाखिल हुआ था, मगर उसने तीन कांस्टेबल बाहर वेटिंग रूम में और चार कांस्टेबल दफ्तर के बाहर भी छोड़ दिए थे, जिनके बारे में जमील को कोई इल्म नहीं था। पिछली मरतबा मजीद सिर्फ दो कांस्टेबल साथ लाया था, इसलिए जमील ने अब भी यही समझा कि सिर्फ ये दो ही कांस्टेबल इसके हमराह हैं जो इतनी देर से कमरे में खामोश खड़े थे। लेकिन जैसे ही जमील दरवाजे के करीब पहुंचा और इसने पट खोलने के लिए कदम बढ़ाया, जाहिर है इस वक्त इसकी नज़रें इंस्पेक्टर मजीद और अशफाक पर जमी हुई थीं। उधर उसने पट की तरफ हाथ बढ़ाया और इधर बाहर खड़े एक कांस्टेबल ने पट को ज़ोर से धक्का दिया। पट जमील से टकराया, जो इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इधर वो लड़खड़ा कर गिरा, उधर इंस्पेक्टर मजीद और दोनों कांस्टेबलों ने जस्त मार कर इसे दबोच लिया। चंद लम्हों में जमील के हाथों में हथकड़ियाँ डाली जा चुकी थीं। जमील को सिर्फ शकीला के कत्ल करने के इल्ज़ाम का ही सामना नहीं था, बल्कि मिर्ज़ा अजीज़ बेग ने यह हालत देखते हुए अपने 20 लाख रुपए कर्ज की वसूलियाबी के लिए भी इस पर मुकदमा दायर कर दिया था। कत्ल
कर्ज लेने के सिलसिले में तमाम ज़रूरी कागजात इनके पास थे, जिनसे यह भी जाहिर था कि जमील ने जिस मुद्दत में कर्ज में मुनाफे के वापस करने का वादा किया था, इसे गुजरे हुए भी साल भर से ज़्यादा हो गया था। मिर्ज़ा साहब ने दरख्वास्त की, क्योंकि जमील के पास इसके ज़ाती बंगले और कंपनी के सिवा कोई और जायदाद नहीं, इसलिए अदालत अगर दोनों जायदादों को नहीं तो कम से कम कंपनी को फरोख करके इनकी रकम की वसूलियाबी को यकीनी बनाए। और जब कंपनी फरोख करने का अदालती हुक्म जारी हो गया तो उन्होंने मज़ीद 10 लाख रुपए अदा करके इसकी कंपनी और उसके तमाम शेयर्स खरीद लिए। कंपनी की मिल्कियत अपने नाम होते ही उन्होंने अशफाक को इसका जनरल मैनेजर बनाकर वो कंपनी इसके सुपुर्द कर दी। अशफाक एक नाकर्दा जुर्म के इल्ज़ाम से ही नहीं बरी हुआ, बल्कि इसके माली हालात भी चंद माह के अंदर ही तरक्की करके कहीं से कहीं पहुंच गए, जिनसे काम लेते हुए उसने घरेलू मसाइल भी हल किए और अपने वालदेन के ज़रिए शायदा से मुस्तकिल रिफाकत का पैगाम भी दे दिया। आजमाइश का ज़माना गुजर चुका था और इसकी मुसलसल जद्दोजहद के इनामात मिलने के दौर का आगाज़ हो रहा था। मिर्ज़ा साहब और इनके अहले ख़ानदान ने ये रिश्ता बखुशी मंजूर कर लिया और यूं जमील को 14 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा सुनाए जाने के चंद माह बाद ही अशफाक और शाहिदा ताहयात एक दूसरे की रफाकत से मुंसलिक हो गए। अशफाक ने मिर्ज़ा साहब की इजाज़त से शकीला के वालिद के ऑपरेशन के अखराजात भी अदा कर दिए और यूं शकीला ने अपनी जान बेशक दे दी, लेकिन अपने वालिद की ज़िंदगी का सबब ज़रूर बन गई।